Are you ready? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Danish, Danish, yeah, Danish. कैसे चलेगा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? घर बैठे अफ्तार कर रहे होंगे कुछ लोग अभी तक, और कुछ लोग कर चुके होंगे। आप लोगों ने कर ली अफ्तारी? पेट भर के की है? बिल्कुल जनाब। क्योंकि जैसे ही आप लोग अफ्तारी करते हैं तो उसके बाद एक चीज का बड़ा दौरा होता है, और वो है नींद। जी बिल्कुल। तो कोशिश ये कीजिएगा कि यहाँ किसी को नींद ना आए। अब भी मेरी नजरें मुसलसल तुम पर होती हैं। क्या लिखा है तुम्हारी टी शर्ट के ऊपर? क्या सो रहा था ना ये? मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे कहीं से न्यूज़ आई है कि सबसे ज़्यादा अफ्तारी जो है वो अप्पी करता है। ऐसा ही है, देख लिया आप लोगों ने। चलिए जी, आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है इस लीक को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी भी हमारे, मैंने आपको कल अपना एक नंबर था जो शेयर कराया था स्क्रीन के ऊपर, आप लोग आज भी जो आपकी फेवरेट टीम है उसका हमें बता सकते हैं उस नंबर के ऊपर, और आप मज़े मज़े की वीडियोस बनाइए और वीडियोस बना के भेजिए। हम वो वीडियोस अपने नेटवर्क पे, अपने चैनल पे दिखाएंगे। ये नंबर है जी 0337031216176। जल्दी से देखेंगे कि पॉइंट्स टेबल की अपोजिशन है, दिखाइए भाई जल्दी से। पॉइंट्स टेबल पे कश्मीर हीरोज हैं इस वक्त नंबर वन पे। आ गया है तो छा गया ठा करके कश्मीर हीरोज, फिर है क्वेटा वोल्व, उसके बाद कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्स जिनका आज मैच है, पिशावर हॉक्स, और आखिरी नंबर पर है इस्लामाबाद ईगल, क्योंकि उन्होंने दो मैच खेले हैं और दोनों मैच हार गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, बहुत सारी एंटरटेनमेंट बाकी है, पूरा रमजान अभी बाकी है। मैं यही चाहूंगा बस आप हमसे जुड़े रहें, इस लीग के साथ जुड़े रहें, और घर बैठे आप एंटरटेन होते रहें। मैं जल्दी से आज की पहली टीम जो कि है लाहौर लेपर्ड्स की, उनके दो कंटेस्टेंट्स को बुलाऊंगा, और पिशावर हॉक्स की भी दो कंटेस्टेंट्स को बुलाऊंगा, क्योंकि दोनों कैप्टन जो हैं वो आ रहे हैं। तो पहले प्लेयर्स को बुलाते हैं और उनसे थोड़ी बातें करते हैं। लाहौर लेपर्ड्स की तरफ से अब्दुल बासित और तुबा, आइए। आइए 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 आइए, अब्दुल बासित और तूबा। अब्दुल बासित, दो मैच खेल के एक मैच जीते हैं आप लोग अभी तक, सो फार सो गुड, मतलब बहुत कमाल नहीं है, जैसे कि कश्मीर हीरोज़ ने कमाल किया हुआ है। दो मैच खेले हैं, दोनों मैच में अपनी ओपोनेंट टीम को आउट क्लास किया है उन्होंने, और इस वक्त वो टेबल पे नंबर वन पे हैं। आप लोग कब आएंगे नंबर वन पे? इंशाल्लाह आज के मैच के बाद। अच्छा, आज के मैच के बाद अगर तीन मैच हो गए और आप दो मैच जीत गए तो ऊपर आ जाएंगे मेरा ख्याल है, लेकिन नंबर वन पे फिर भी नहीं आएंगे। अगला मैच कश्मीर के साथ है, उन्हें हम हराएंगे। ये बात, जब कश्मीर से मैच होगा तो वो बहुत ही जबरदस्त मैच होगा, टक्कर का मैच होगा लाहौर लेपर्स और कश्मीर, क्योंकि मुझे दोनों टीमों के बारे में ऐसा लगता है दोनों बहुत ही एवरेज, बहुत दोनों जो प्लेयर्स हैं बड़े एवरेज हैं, इनके अंदर एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो हल्का है, तगड़े प्लेयर्स हैं सारे। और सोशल मीडिया पे भी हमें यही फीडबैक मिल रहा है कि शायद यही दोनों टीम्स फाइनलिस्ट होंगी, लेकिन पासा तो कभी भी पलट सकता है, टीम्स कभी भी अच्छा खेल सकती हैं, कभी भी बुरा खेल सकती हैं। बस आप लोग आज भी कल की तरह जिस टीम को हमें बोलेंगे कि आपकी फेवरेट टीम ये है आज के मैचेस में जो दो टीम्स खेल रही हैं उनमें से, तो मैं उस टीम को आखिर में दूंगा दो पॉइंट्स। पाँच पॉइंट्स तो हमारे होते हैं गेम चेंजर के, वो अलग जाएंगे, और दो पॉइंट्स सोशल मीडिया के हैं, ये हमने कल से इंक्लूड किया है। सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग जो यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं हमें, वो जिस टीम का हमें बोलेंगे हम आखिर में उसको दो पॉइंट्स देंगे, तो ये दो पॉइंट्स भी बहुत क्रूशियल है, इसलिए आपको अब पूरा मैच बहुत दिल से खेलना पड़ेगा। दिल से याद आया कि पिशावर हॉक्स की जो टीम है ये दिल के मामले मुझे लगता है बड़ी सख्त है, ये इनको बुलाते और इनसे पूछते हैं, आए जी पिशावर हॉक्स की टीम है अबीहा और इब्राहिम। आइए 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 आइए, पिशावर हॉक्स, बैठिए बैठिए प्लीज प्लीज। अच्छा जी, अभी यहां है चैंपियन से, ये फाइनलिस्ट थी, अब तो नहीं है, अभी भी है? अभी भी है,
अच्छा वो लोग दोनों आपस में आके बोलते रहते नहीं हम दो ही फाइनलिस्ट हैं, मुझे आज क्लियर बताओ फाइनलिस्ट कौन कौन है चैंपियन का? आमिर और बिलाल ही हैं। आप अभी आउट हो गए हो? आउट हो गई हूं। आउट हो गए हो तो वही दोनों फाइनलिस्ट है। अभी आप क्या चाहते हो दोनों में से कौन जीते? कोई भी नहीं जीते सिर्फ मैं। इसलिए मैंने कहा नहीं, देखा आपने इनके आने से पहले मैंने बोला दिल के बड़े सख्त हैं ये लोग, इसलिए बोला ये लोग चाहते नहीं है कोई तीसरा जीते, ये चाहती हैं कि ये खुद जीत जाएं, लेकिन अब तो इट्स टू लेट फॉर दैट। अब आमिर और बिलाल दो लोग हैं, डिजर्विंग कौन है इन दोनों में से? डिजर्विंग इन दोनों में से चैंपियंस का चैंपियन बनने के लिए कौन डिजर्व करता है, आपको क्या लगता है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? इतना सोच रही हो, मतलब तुमने 40-50 दिन ऑब्वियसली मैंने इनके साथ काफी टाइम स्पेंड किया है, तो जरा सोचने का भी टाइम चाहिए ना। क्या सोच क्या रही हो, दोनों में से बेहतर कौन है? एग्जैक्टली बेहतर कौन है? एज अ प्लेयर ही होना चाहिए। जो ज्यादा बेहतर खेला है वो कौन है इनमें से? जो ज्यादा बेहतर खेला है तो वो तो आमिर था। अच्छा, लेकिन तुम जान ही नहीं कि आमिर जीते, इतनी शक्ल पे लिखी है सारी बातें, देखो हर भाई को पढ़ना आता है ना। चलो यार मुझे जवाब मिल गया। इब्राहिम जी, दिन में कितने टिकटॉक बनाते हो तुम? अभी तो नहीं बनाए, अभी रमजान है। अच्छा, रमजान में नहीं बनाओगे? नहीं बना। उससे पहले कितने बना रहे थे? दिन में 4-5 बना लेता और उसके बाद दिन में 1-1 अपलोड करता। अच्छा, मतलब 5 एक दिन में बना लिए और उसको आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करते हो तुम, उस पे लाइक्स आना शुरू होते जी। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछनी है और लोग बैठे जो हैं ये भी जानना चाहते हैं, ये जितने टिकटॉक स्टार्स हैं ये क्या टिकटॉक से पैसे भी बनाते हैं या नहीं? टिकटॉक से पैसे नहीं बनते, लेकिन बाकी जो एप्लीकेशन है जैसे लाइकी वगैरह वो फिर टिकटॉक के फेमस लोगों को बोलते हैं हमारे लिए वीडियो बनाओ। ओके, सो वो इस तरह पैसे जरूर बनाते होंगे। सर मुझे एक बात कहनी है कि एक शो का होस्ट है जिसने कहा था कि टिकटॉक का कोई फेम नहीं होता और अपने माँ बाप अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं और वगैरह वगैरह, और उसके बाद हम यहाँ पे बैठे हुए 2 घंटे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या टिकटॉकर कम नहीं है? नहीं नहीं, देखो देखो मैं एक बात बताता हूँ, वो जो भी साहब है उनका अपना पर्सपेक्टिव होगा इस बारे में, एज लॉन्ग एज यू आर एंजॉइंग इट, जब तक तुम्हें अच्छा लग रहा है टिकटॉक बनाना ये सारी चीज़ें करना और तुम किसी को तंग नहीं कर रहे हो, नहीं जब तक नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि क्योंकि इज्जत किसी की भी कम नहीं है मेरे दिल में, वो भले टिकटॉकर हो, वो चैंपियन का कोई भी प्लेयर हो या कोई नॉर्मल यूट्यूबर हो या फिर मेरे बैंड के मेंबर्स हो, किसी की इज्जत कम नहीं है मेरे नज़दीक, कोई भी सब बराबर है। लेकिन देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ यू मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, अगर तुम पैसे बना रहे हो टिकटॉक के जरिए तो फिर हो सकता है कि किसी का घर चल रहा हो भाई, तो फिर मैं क्यों बोलूंगा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे या तुम अच्छा कर रहे हो। एक चीज तो ये कि इंसान को जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जज करने के लिए सिर्फ अल्लाह ताला है, वो जानता है सबकी नियत। तो मेरे लिए मुझे किसी टिकटॉकर से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम खुश हो दूसरों को तंग नहीं कर रहे हो तो जितनी चाहे टिकटॉक बनाओ मुझे क्या। और यहां पर आके तुम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो इसका सबूत जो है ये सोशल मीडिया है, ये सब आप लोगों को बता रहा है रोज रोज के तुम लोगों के कितने फैंस हैं। एक बार मेरी टीम मिलकर इन सब बच्चों के लिए तालियां बजाएगी, ये तालियां तमाम चैंपियंस तमाम टिकटॉकर्स के लिए, गुड जॉब। अच्छा जी, आज आप लोगों के कैप्टन्स जो है वो गायब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग नहीं आएंगे, कैप्टन्स दोनों आ रहे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो आते हैं हम शुरू करते हैं आज का मैच। लेकर आओ पहला गेम कौन सा है, और जब तक ये गेम आ रहा है मेरा भाई रेडी बैठा है, क्या सुनाएगा देखते हैं। एक गीत हो तेरा मेरा, ओ हो। एक गीत हो तेरा मेरा, मैं गाऊं और तुम कहो गाओ ना, एक वादा हो तेरा मेरा। क्या बात है, एक वादा हो तेरा और तुम कहो। क्या बात है यार, जबरदस्त लगी, बहुत आला। आज का पहला गेम ही है मेरा फेवरेट, चक्कर पे चक्कर, और ये तो लड़के ही खेलते, लेकिन 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 कल एक लड़की ने भी अटेम्प्ट किया था, शहताज ने अटेम्प्ट किया था, जीत नहीं पाई थी। आप लोगों की मर्जी है, मैं पहले करूंगा टॉस, और क्योंकि आपके कैप्टन नहीं है तो कैप्टन की अदम मौजूदगी में आप इस वक्त कैप्टन है, बताइए। हेड्स टेल्स। टॉस जीत गई है जी पिशावर हॉक्स, बताइए पहले आप लोग खेलेंगे या उनको बुलाएंगे? पहले आप लोग आएंगे, कौन आएगा आपकी तरफ से? मैं आऊंगा। आप आएंगे तो आइए जल्दी से,
अच्छा जी, अभी मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूँ, कि दोनों टीम्स को सोशल मीडिया पे लोग किस तरह पसंद कर रहे हैं, मतलब कि इनके कितने फैंस हैं, इनके कितने परसेंट फैंस हैं। दिखाइए भाई जरा जल्दी से ये स्टैट्स हैं इसकी। फेसबुक पे 123%, यूट्यूब पे 789, व्हाट्सएप पे 546, टोटल 1458 है। 49% है लाहौर लेपर्ड्स की और 51% पेशावर हॉक्स की। क्या बात है, अभी तक गेम शुरू नहीं हुआ, तुम लोगों के फैन ज्यादा है यार, बहुत आला। चलो भाई, अब्दुल बासित के भी फैंस कम नहीं है। बासित ऑल द बेस्ट। चार चक्कर, सीधे खड़े हो जा बासित, चार चक्कर। बॉल पिक करनी है, बॉल ड्रॉप करनी है, याद रहे कि तुम्हारा फोरहेड इस बेसबॉल बैट से कनेक्ट होना जरूरी है। अगर तुम टच नहीं करोगे तो मैं वो चक्कर काउंट नहीं करूंगा। और तुम्हारे कैप्टन तो आए नहीं है, मैं चाहूंगा जब तक वो आए तुम उन्हें एक पॉइंट का तोहफा दो। बासित रेडी, रेडी गो। और ये चार, चलो चलो चलो, ये बात बहुत ज्यादा बासित, चार स्कोर करते हैं चार। इब्राहिम घबरा रहा है, इब्राहिम घबरा रहा है। एक दुनिया झूम रही है, झूम रही है, दुनिया झूम रही है। और ये चार, चलो चलो चलो, वरना शाह है, चलो चलो चलो, बहुत ज्यादा बासित कमाल। और ये कमाल, चलो 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 चलो, तू हो जरा हमेशा गोल रवे ते मैं दुनिया एक बार एक बार परे परे दिल के दुनिया तो कौन रे, दिल के दुनिया तो कौन रे। और ये चार बातें, चलो हमेशा गोल रवे, बहुत आला यार बातें, दुनिया नु ते दवा परे परे। टाइम अप। ये सही मानों में लेपर्ड है आदमी, है सही मानों में शेर है ये। चार स्कोर और एक इसने चक्कर भी लिया है। इब्राहिम तो जब पहला उसने चक्कर लिया उसी वक्त घबरा गया था, ये कैसे खेलेंगे हम लोग। आ जाओ इब्राहिम, तुम्हारी बारी है, बहुत आला बासित। आओ आओ भाई, आओ जल्दी से, आओ जल्दी से आओ। अरे रेडी है, चलिए एक मिनट भाई। इब्राहिम जब से आया है उससे पहले मैं दोनों कैप्टन को दावत दूंगा जो यहां पहुंच चुके हैं। लाहौर लेपर्ड्स के कैप्टन है एहसन खान और पिशावर हॉक्स की तरफ से होगी कैप्टन आएंगी लैला। आइए ये बात, यार ऐसे नहीं, क्या है आप लेट क्यों आते हैं? आप लेट क्यों आते हैं? अरे मैं ये चाहता हूँ आप अच्छी तरह जब बातें कर लें यार। हम जी आपको जी देखते देखते देर हो जाती ना, आप इतना अच्छा गेम शो कर रहे हो यार। अच्छा, बहुत शुक्रिया दानिश, लेकिन आप बहुत अच्छा एक्सक्यूज है, हमेशा यही बोलते हो। वर्ल्ड बटरिंग करता है, बटरिंग पूरा पूरा पाकिस्तान जी तुम्हें भी देखना चाहता है। ठीक है, वैसे हम दोनों एक ही फैमिली का हिस्सा है, बोल्ड फैमिली माशाल्लाह। Everyone is watching your show. मैं यहाँ पे बताऊँ, thank you very much for the wonderful feedback और बहुत मुबारक हो, कितना अच्छा show है। हाँ जी जी। आते साथ देखो कैसी buttering करता है ना अपने late आने पे। क्या? तारीफ कर देता आके। हाँ, justify कर रहा है। late आना होता है ना। justify कर रहा है late आना। लेकिन आप late आए हैं, आपकी अदम मौजूदगी में इस वक्त अब्दुल बासित ने चार स्कोर कर दिए जी। हमने पहला गेम शुरू किया, चक्कर पे चक्कर जीत आप आइएगा पिशाब। मुझे पता है जब बासित है तो हमें कुछ टेंशन नहीं है, जीता है आप लोगों का, सही मानों में लेपर्ड है भाई। लेकिन इब्राहिम भी कोई कम नहीं है, देखते हैं आज पिशावर हॉक्स का ये इब्राहिम हॉक्स। अस्सलाम वालेकुम सबको, सलाम। जीते को पकड़ता है या नहीं पकड़ता? अच्छा, कितने राउंड किए, कितने चार 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 किए, उसने चार से ज्यादा करने हैं, भले आगे दरमियान में एक दो चक्कर। ये बात तो उसको पता है लेकिन पता नहीं कर पाएगा, इंशाल्लाह करेगा इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट पिशावर रॉक्स, रेडी रेडी गो। एक जल्दी जल्दी दो, तीन, चार, चलो 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 चलो, बहुत आला। ये दुनिया झूम रही है, अंबर नाच रहा है, धरती झूम रही है, ये दुनिया झूम रही है, अंबर नाच रहा है, धरती। जल्दी जल्दी जे मैं हूं ती ढोलना जल्दी करने, रहती गलक के तेरे सावा देने, मैं होती
नहीं भाई नहीं, कोई बात, इट्स ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जो है ना लाहौर लेपर्ड का कोई बात, कोई बात, कोई बात, सोशल सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं काशिफ उस्मान, अच्छा जी गुड ट्राई, सही मायनों में चीता है भाई वासित, मुझे लग रहा है वासित को, अब्दुल वासित को इस गेम में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा ही अब्दुल वासित जी जी बिल्कुल, जिस दिन आमिर और तुम दोनों सामने आएंगे उस दिन ज्यादा मजा आएगा। अच्छा जी तूबा, तूबा और अबीहा, इट वाज गुड ट्राई, क्या हुआ आप लोग एक दूसरे को देखते नहीं हो, सलाम दुआ नहीं करते, सब खैरियत है आपस में? इसके साथ खैरियत, आपकी तरफ से खैरियत है? मेरी तरफ से हमेशा खैरियत ही होती है सबके साथ। एक मिनट, ये बताने का क्या जवाब है कि सबके साथ खैरियत ही होती है, मतलब दूसरे लोग जो है वो पागल हैं फिर? जितने भी कंटेस्टेंट हैं सबके साथ खैरियत है मेरी। अच्छा लगा नहीं था लेकिन स्क्रीन के ऊपर ऐसा हरगिज भी। एक तो स्पेशली वो वाली जो आप लोगों की एपिसोड थी जिसमें आपने याया का जीना हराम किया था। जी जी जी, याया का जीना हराम कर दिया था आपने। वो तो भाई जैसे इंसान होता है ना उसके साथ वैसे इंसान को रहना पड़ता है। बुरा तो नहीं था यार, बुरा इंसान तो कोई नहीं था। याया सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे जैसे थे वो। अच्छा नहीं, खैर याया यहाँ पर है, याया यहाँ पर है नहीं तो हम उसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। याया तुम जहाँ भी हो खुश रहो। चलो भाई जल्दी से दूसरा गेम भी है और एहसन रेडी है आज। एहसन आज बैठे नहीं है मैं आपको बता दूं, और सिर्फ पहला मैच आ रहे थे उसके बाद दूसरे मैच में कम बैक किया, जीते हैं और ये मुझे लगता है यहाँ से ट्रॉफी भी यही जीत के जाएगी। नहीं एक और चीज ना दानिश, जो पहला मैच था वो एक्सपेरिमेंटल भी होता है और उसमें भी हम बुरी तरह नहीं हारे थे, बुरी तरह नहीं हारे थे। हाँ, बहुत, बहुत कम मार्जिन से हारे थे ये लोग, बहुत कम मार्जिन। सेकंड जो हम जीते हैं वो भी बहुत जबरदस्त, तो मेरी टीम जो है वो जबरदस्त है माशाल्लाह, कमाल टीम है आपकी, बड़ी बैलेंस टीम है आप लोगों की। हां नो डाउट, दो टीम्स मुझे लगता है सबसे ज्यादा बैलेंस्ड है वो है लाहौर लेपर्ड्स और कश्मीर हीरोज। पिशावर भी बहुत अच्छी है, किसी वक्त भी कमबैक कर सकती है, लेकिन तुम्हें अब फ्रंट पे आना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा सामने आके, तुम्हें जीतना पड़ेगा गेम्स अपनी टीम के लिए। ऑल द बेस्ट। चलो भाई नेक्स्ट गेम है हमारे पास, मैंने अभी आपकी अदम मौजूदगी में इनको कैप्टन बनाया था, कॉल मैंने इनसे ली थी। अब लैला की बारी है, लैला आपकी कॉल है, बताइए। हेड्स टेल्स, आप लोग फिर से जीत गए, बताइए पहले आप लोग खेलेंगे या ये खेलेंगे? आइए जी, ओपोनेंट टीम जो भी है आपकी उसमें से कौन खेलने आएगा? गेम कौन सी है? गेम आपके यहाँ जो भी आएगा उसको बताऊंगा मैं। आइए अभी यहाँ खेलेंगे, पहले आप गेम तो बता, चलो बताते हैं। आओ भाई उस्मान, उस्मान काशिफ, उस्मान एंड काशिफ, चलिए गेम बड़ा सिंपल है, बिल्डिंग बनाने का गेम है, लेकिन इसमें काउंट होंगी आपकी प्लेट्स, जितनी ज्यादा प्लेट्स आप जोड़ के ऊपर तक बना लेंगे बिल्डिंग को वो प्लेट्स काउंट होंगी, वो चार हो या पांच हो। और एक चीज याद रहे बड़ी जरूरी, एक मिनट से पहले गिरनी नहीं चाहिए, ये एक सेकंड पहले भी अगर गिर गई मैं कुछ भी काउंट नहीं करूंगा। चलिए जी इस तरह बनानी है, बेस जो होगी वो एक कैन की होगी, लैला जो बेस है वो एक कैन की है, उसके बाद दो फिर एक फिर दो फिर एक, लेकिन इसको रोकना है आपने कहीं, ये डिपेंड करता है कि आप लोग बैलेंसिंग में कितने अच्छे हैं। बताइए कौन आएगा आपकी टीम से? ये इस तरह गिर सकते हैं, तो गिर गया भाई, इस तरह गिर सकता है, वो एक की होगी, एक की होगी, उसके ऊपर दो दो कैन, ठीक है? आओ अभी आएंगे, आइए भाई आइए, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा, तुमने ऑपोजिट रखते हैं, आइए आइए आइए, इसके बाद ना अगर दो कैंसिल इस तरह रखें तो दूसरा वो इस तरह, मैं तो बता, चलिए 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 चलिए, रेडी हो भैया, एक मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, बल्कि एक काम करते, सुनो सुनो सुनो, जो बेस है वो एक कैन की ना रखो, मुझे लगता है गिर जाएगी दोनों टीम के पास से, दो कैन की बेस ही चाहिए, आप दो कैन यूज कर सकते हैं बेस बनाने के लिए, सही है, उसके बाद आप ऊपर बिल्डिंग बनाओगे। चलो रेडी गो, चलो चलो जल्दी से, एक मिनट है सर, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, दूरी सही जाए टाइम अप टाइम अप टाइम अप, चार प्लेयर्स आपका स्कोर है, शुक्र है तुमने नेक्स्ट के लिए अटेम्प्ट नहीं किया, ये गिर जाता वरना, ये अभी भी हिल रहा है। चलो जी इनका स्कोर है चार, देखते हैं कि ये लाहौर लेपर्स की टीम पांच स्कोर कर पाएगी या नहीं, एक पॉइंट का सवाल है रे बाबा, कौन आएगा आपकी टीम से? तूबा आएंगी, आइए तूबा, कम ऑन, देखते हैं जी आज एक एक पॉइंट बराबर होता है या दो सिफर हो जाएगा। तूबा रेडी हो आप,
एक मिनट का टाइम है, आपने 5 स्कोर करना है। अच्छा जी, 5 आप मोटिवेट कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो तू बोल, तो बस रेडी गो, अकेले तन्हा सफर। गिरना नहीं चाहिए, एक मिनट से पहले ही, एक मिनट से पहले गिर गया, कुछ काउंट नहीं होगा। 3, 2, 1, टाइम अप। बहुत आला तूबा, वेल डन, बहुत अच्छे तूबा, क्या बात। ये आज 5 प्लेट्स फर्स्ट टाइम हुई है, अभी तक सबने 4 प्लेट्स पे अटेम्प्ट किया। तूबा गुड जॉब। एक और पॉइंट लाहौर लेपर्ड्स के पास चला गया। अब लाहौर लेपर्ड्स है 2 पॉइंट्स पे और पिशावर हॉक्स 0 पे अभी भी। इब्राहिम क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तो गेम का स्टार्ट है, लेकिन बहुत गेम हार गए अभी तो शुरू है ये, बहुत मतलब क्या शुरुआत की है इनकी टीम ने, आप देखिए बहुत अच्छी। मैं क्या गए और छा गए, वेरी वेल डन। नहीं मुझसे क्या पूछ रहे, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत अच्छा खेल रही है आपकी टीम। हाँ मेरी टीम तो क्या बात है, मेरी टीम तो है ही जिंदाबाद। ये बहुत अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। आई नो ऐसा है। मैं तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स बहुत अच्छी खेल रहा हूं, तो वो कहते ना हर जगह फिट होना, तो हर फन मौला है। कोशिश। बहुत आला जी, इसी नोट पे अपना तीसरा गेम लाते हैं। लाइए भाई जल्दी से, जब तक तीसरा गेम आ रहा है, लकी और मेरी टीम रेडी है सुनाने के लिए कुछ। आइए जी। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते गोरे माही किथे रह गया, साडी अखां विच निंदरा उड़ा के, ते गोरे माही किथे रह गया, आता है रह गया। ये बात चलिए भाई, लाइट टॉस टॉस टॉस। अभी क्यों बता रहे हो, ये तुमने बाल कहां से बनवाए? रुई जुड़ी होती है और वो जुड़ी हुई सारी। अच्छा हसन, इट्स गोना बी योर कॉल, बताइए। टेल्स हेड। आज फिर से पिशावर हॉक्स जो बातों में लगी हुई है इस वक्त, पिशावर हॉक्स आप लोग टॉस जीत गए। अच्छा स्ट्रेटजी, प्लानिंग प्लानिंग पहले कौन खेलेगा बता दो जल्दी। अच्छा जी मैं जल्दी से बताता हूँ, आप लोग टॉस जीत गए हैं, पहले आप लोग खेलेंगे या ऑपोजिट टीम से बुलाएंगे किसी? नहीं एसन फर्स्ट। एसन आपकी टीम से कौन आएगा, आइए मैं बताऊं करना क्या। आओ जल्दी से। इस गेम का नाम है जी अंधाधुंध। आंखों में पट्टियां बंधी होती हैं और ये कॉटन हैं, ये आपको बगैर देखे इस बोल में डालने होते हैं, ये बोल आपके सर पे रखा हुआ होता है जी। कैसे ये? अच्छा बस सही सब। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने थंब यूज नहीं करना कॉटन उठाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्पून ही यूज करेंगे, जितना स्पून में कॉटन आएंगे सिर्फ वही जाएंगे। आए भाई कौन आएगा आपकी टीम से, आ जाओ तूबा, कम ऑन जल्दी से, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, आ जाओ भाई। टिश्यू भी दीजिए एक लागे, जल्दी से ले आइए। अच्छा एक चीज आपको याद है, आपने मुझसे कहा था कि वो जी वो याद है, मैं कुछ याद, याद नहीं दिला रहा, आप याद रखिएगा। ओके ओके डन डन। चलिए भाई बेहतरीन हो गया। क्या कुछ भी कुछ नहीं कुछ नहीं, हम क्यों बताएं? अच्छा ठीक है, कुछ भी बताएंगे, ऐसी क्या बात है जो तुम, बस ऐसी बात है ना, हम तो कह रहे हैं गेम खेलेंगे। अच्छा खेल रही है, गेम समझ आ गया तू? चलो बहुत आला। अभी तक मेरे ख्याल से इसमें जो रिकॉर्ड है वो 60 का है, 60 किसी ने किया था, मुझे याद पड़ता है, लेकिन किसने किया ये नहीं याद। 60 कॉटन्स डाल दी थी किसी ने, आज देखते हैं उसका रिकॉर्ड टूटता है या नहीं। चलो भाई उस्मान मेक श्योर इनको कुछ नजर ना आ रहा हो, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। आगे तो लेके आओ उसको थोड़ा, आ जाओ बेटा, चलो आगे आओ, आगे आओ और आगे आओ, अपनी लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट पे, लेफ्ट पे, लेफ्ट, बस थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, बस परफेक्ट। नीचे हाथ लगाओ ना, देख लो हाँ, और ये चम्मच है, इनको स्पून दीजिए बेटा। चलिए एक हाथ से ये बॉल पकड़ना है, अब्दुल बासित तुम दूर हट जाओ, तुमने हेल्प नहीं करना। एक मिनट, रेडी गो, चलो चलो चलो, बड़ा
ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦ ਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦ ਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ आपने हेल्प किया बॉल को पकड़ा उसको ये बोल रहा था कि नीचे हो जाए हाँ उसको कहा था नीचे हो जाए लेकिन आपने किसका कदलम है ये बासित का ये तुबा का क्या 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 तुबा थोड़ा ऊंचा होके डाल रही थी ना दानिश ऐसे ने बॉल को पकड़ा है नहीं मैंने देखा मैंने देखा ना पकड़ा है ना वो ऐसा नहीं बोल रहा था तुबा आप थोड़ा झुक जाओ उसके बाद डालते रहना लेकिन ऐसा नहीं कि उसने हेल्प किया है ये शुक्र आज मारिया नहीं है मारिया तो बहुत लड़ती है यार उनसे तो काफी मारिया को बहुत आप दोनों की भी तो कोई पुरानी राइवलरी तो नहीं है ना नहीं कोई राइवलरी क्यों नहीं, नहीं, अच्छा, लड़के अच्छा हीरो हीरोइन से क्या राइवलरी होती है ये बात भी है बिल्कुल बिल्कुल भी है यार कितना स्कोर हो गया लहरा की राइवलरी किसी मीरा के साथ हो सकती है अरे नया रिकॉर्ड 61 क्या बात है इससे मेरी जान छूटी भी उससे यार अल्लाह बचाए क्या कह रही हो लैला मैं किसकी बात कर रही हो क्या हो गया किसकी बात कर रही मैं किसी की बात नहीं कर रही किसी का कह रही सॉरी आई मिस्ड इट क्या बोला नहीं हाँ यू मिस्ड आई डोंट नो नहीं पता नहीं क्या कह रहा है एक्ट्रेस का नाम लेके बोल रही थी अल्लाह बचाए क्या हम लोग गेम खेल रहे हैं प्लीज आइए भाई नेक्स्ट कौन आएगा अपनी टीम से 61 अभी आएगी 61 कर दी है आओ अभी आ जाओ जल्दी से आओ अभी आइए भाई आए भाई जल्दी से ये लगाइए इनके और इनको नजर नहीं आना चाहिए चलिए मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं बिल्कुल सही परफेक्ट आइए आए भाई इनको बोल दीजिए अभी हाँ बोल सर पे रखेंगे आप लैला आप इनको हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे बिल्कुल रख लो एक हाथ से स्पून दीजिए इनके हाथ में और आपका टाइम शुरू होने वाला है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ ये कह रहा था नहीं सारे सानू पैर वाली बॉडी ते चढ़ा के किथे रह गया टाइम आप टाइम आप सिफर बस टाइम अप अच्छा मैंने ये कब कहा था कि आप बैठे बैठेंगे नहीं हाँ ये भी बात सही है मैंने तो कहा ही नहीं था ये बात इसलिए तो मैं कह रहा था नीचे हो जाओ हाँ ये माइंड सेट है जो इन्होंने आप समझा है अब आप सही क्या किया नहीं नहीं मैं तो जितवा रहा था आप जितवा रहे थे आप हराने लगे थे आई टीम को वो तो आपको कह रहे थे कि थोड़ा और फॉरवर्ड कर दो करना ये चाह रहे थे हो कुछ और रहा था वो पता नहीं है कभी-कभी ऐसे भी होता है आप नेगेटिव सोच रही हैं इनके बारे में नहीं ना नहीं ऐसे इनके बारे में आई ऑलवेज पॉजिटिव अच्छा नाइस ह्यूमन थैंक यू अरे वेरी नाइस बहुत अच्छे इंसान है मैं पूरी दुनिया के सामने बोल रही हूं जी 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 थैंक यू बाकी अच्छा इंसान जी 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 बिल्कुल नो डाउट अबाउट लेकिन गेम के अंदर ये मत करो प्लीज नहीं नहीं कोशिश करेंगे मैं ना करूं लेकिन क्या मैंने कहा कोशिश करूंगा कि लेकिन वो देख लो यार ये क्या मेरी टीम है मारिया भी ले रहा है तुम लोग क्या यार लड़ना शुरू हो जाते हैं आपसे आगे यार क्या चक्कर है इसका मतलब ये कि आपकी टीम इतनी टफ है कहां कहां से आपकी टीम इतनी टफ है कि लोग आगे आपसे बोलते हैं कि नहीं यार से लड़ ले पहले देखो दानिश मेरे करियर के शुरू में इंसान से ना मतलब ये होता है कि आप ऐसे लोगों से मिल रहे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको वो मारिया इतनी दानिश सुनिए जरा 94
4, क्या बात है यार, पिशावर हॉक्स वाले छा गए भाई अभिया, गुड जॉब भाई, उल्टा आदत ही बैठ के। एक पॉइंट पिशावर हॉक्स ने कमा लिया अपने लिए, 2 पॉइंट पर है लाहौर लेपर्ड्स, दोनों करीब आ चुके हैं इस वक्त, लेकिन अभी भी लाहौर लेपर्ड्स आगे हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट गेम में क्या होता है, लेकर आओ नेक्स्ट गेम क्या हमारे पास जल्दी से। अरे ये तो एहसन का फेवरेट गेम है, और अगर ये कैप्टन खेलने आते हैं तो यहाँ से 2 पॉइंट जीतेंगे। जब भी कैप्टन जीतेगा कोई मैच उसके 2 पॉइंट्स हैं, जो प्लेयर जीतेंगे उसका 1 पॉइंट है। लाइए भाई लैला, आपकी कॉल है, बताइए। टेल्स 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 जीत गई है भाई आज लैला, किस्मत लैला लोगों के साथ है। बोलिए जी पिशावर वालों, आप लोग खेलेंगे या दूसरी टीम से किसी को बुलाऊं? नहीं नहीं ऐसा ना भाई, आपकी टीम से आएगा। कौन आएगा ऐसा? बासित, बासित, गेम बासित। बड़ा सिंपल है बासित, आ जाओ आज तुम खेलोगे, 1 पॉइंट के लिए खेलेगा बासित, और देखते हैं बासित ये पॉइंट जीतता है यानी बासित, ये गेम तुम्हें समझ में आता है। बॉल को एक दफा बाउंस करना है और बॉल को एक ही बार बाउंस करना है, कब में इसको पकड़ना है, कब को नीचे लगाना है, फिर दूसरे कप में दूसरी बॉल आएगी। सही है, रेडी हो तुम? 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। बासित ऑल द बेस्ट, रेडी गो। बहुत आला बहुत आला, धीरे धीरे प्यार का धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, ये अदा ये नाच ये अंदाजा, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना। प्यार का कुछ भरोसा नहीं, बहुत आराम से बासित, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक गिर गया था, 10. नहीं वो काउंट नहीं होगा, जो गिर गया वो गिर गया, नौ इन्होंने स्कोर किया है। अब जीतने के लिए टीम को 10 स्कोर करना है, कौन आएगा? इब्राहिम आओगे या अभी आएगी या फिर लैला आएंगी 2 पॉइंट्स के लिए? अगर ये मैच ये गेम लैला खेलेंगी और जीतेंगी और 10 स्कोर करेंगी तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम इब्राहिम को खेलना चाहिए, शायद इब्राहिम कर दें 10। हाँ भाई इब्राहिम, नहीं हमारी कैप्टन खेलेगी, कैप्टन खेलेगी, आइए भाई कैप्टन को, कैप्टन इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। माइक में, माइक में बात करें इब्राहिम, माइक में बोलो क्या बात कर रहे हो तुम लोग, ऐसी कौन सी बात है जो छुप छुप के कर रहे हो? सिंपल गेम है, कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है इसमें, तो सिंपल गेम है मगर क्या हो रहा है? हाँ तो पॉइंट जीतना है तो कौन आएगा यही पूछ, जल्दी करो यार, ये क्या पंचायत चल रही है भाई, लोग देखो। ओके लैला बुलाइए भाई, कैप्टन आइए, आइए आइए लैला, लैला ऑल द बेस्ट, 10 स्कोर कर जाइए और इन लोगों की बोलती बंद कर दीजिए आप, रेडी है? चलिए भाई 60 सेकंड है आपके पास, रेडी गो। चकमकाने लगा मेरे दिल का जहां, अपनी एक है चलो, चलो। हो इधर मेहरबान, चकमकाने लगा मेरे दिल का जहां, बहुत आला लैला बहुत आला, पांच जोड़े बस, पांच जोड़े, 30 सेकंड बाकी है, जल्दी 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 जल्दी। क्यों भला तू मेरा दीवाना बन गया, चलो चलो बहुत आला, मेरा दीवाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का क्या बात है, क्या बात है, धीरे धीरे प्यार का, ये अदा ये नाच ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का। टाइम अप 7 7, वेल प्लेड, 3 4 5 6 7 8, not well bad played, yeah. Very well played, close enough, well played, well played, lekin phir bhi no score tha Lahore Leopards ka, to ye point bhi jeeta hai Lahore Leopards ne. Danish bhai 2 points hai, captain se jeeta hu, ha ha 2 points hai na, captain thodi khel udhar se, to captain nahi, captain se jeetna nahi, captain khel ke khud jeetenge to 2 points hai, agar wo jeet jate 2 to phir unke 2 points hote, captain khud khelne aayega to 2 points hai।
जैसे अगर एहसन यहाँ से जीतेंगे तो उनके दो पॉइंट्स होंगे, कोई भी गेम जीतेंगे। इस वक्त लाहौर आ गए 3 पॉइंट्स के साथ, पिशावर वाले 1 पॉइंट के साथ पीछे, लेकिन पिशावर वाले किसी वक्त भी कमबैक कर सकते हैं, मुझे भरोसा है आप लोगों पे। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि आज आप लोग बहुत तगड़ा कंपटीशन देने वाले हैं लोगों, ऐसा ही है। चलो ऑल द बेस्ट, लाओ भाई नेक्स्ट गेम क्या हमारे पास, जल्दी से लेकर आओ। और जब तक ये नेक्स्ट गेम आ रहा है, मेरी टीम रेडी रेडी होती है आपको एंटरटेन करने के लिए। सुना भाई, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, दिल धड़के। बहुत आला है भाई, जल्दी से बताइए उस्मान साहब, पहले तो टॉस हो जाए और टॉस होगा एहसन से। एहसन बताइए आपकी कॉल है, हेड्स है क्या, टेल्स है? आज सारे टॉस पिशावर वाले जीत रहे हैं, गेम नहीं जीत पा रहे हैं। बताइए पहले आप लोग खेलेंगे, हम गेम भी जीतेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। बताइए पहले कौन आएगा, आप या एहसन आएंगे? आइए भाई आपकी टीम से कौन आएगा मैं बताता हूँ, गेम में करना क्या है, एहसन को मौका दे रहे हैं। आइए जी, इसमें क्या करना है, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत आला। अच्छा जी, इस गेम का नाम है नट स्टैकर। इस पे आप जो नट्स हैं इस पे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनानी है, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाएगा वो जीत जाएगा। नट स्टैकर नाम है इस गेम का, रेडी है भाई? बेहतरीन उस्मान, बहुत आला, बिल्कुल ठीक है। ये क्या गेम है भाई, बड़ा मुश्किल गेम है, बहुत मुश्किल गेम है ये। हाँ जी, कौन आएगा? नहीं, नहीं, बासित, आपकी टीम से कौन आएगा? बासित, आ जाओ भाई बासित, अब्दुल बासित ही आएंगे लाहौर लेपर्ड्स के। आइए, 1 मिनट का टाइम है अब्दुल बासित आपके पास, एक साथ 5 या 6 नट्स आपने इस स्टिक के अंदर जमा करने हैं, उसके ऊपर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रखना है। रेडी रेडी गो। कैसे, चलो कैसे कैसे, ये गिरना नहीं चाहिए बस। कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, मेरी उमंगों की शब के लिए आए बन के सहर शुक्रिया हो, मेरी नजर शुक्रिया, दिल धड़के अभी तक मेरी रूह में चैन है, अभी तक मेरा दिल है बेताब सा। एक हाथ से टाइम अप, दूसरा हाथ नहीं यूज करना है। कितने बने इनका स्कोर जी? 5 किया है इन्होंने, आप 6 कर लोगे यहाँ से 1 पॉइंट जीत जाओगे। कौन आएगा आपकी टीम से, क्या कहते हैं? आओ भैया, आ जाओ चैंपियन, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। अभी आ रही है। हाथ नहीं, आपने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना। आइए भैया, अभी 1 मिनट का टाइम है, तुम्हें 6 स्कोर करना है। 17 सेकंड जाया किए तुमने, तुम रुक गए, मुझे लगता था तुम 6 स्कोर कर जाते, गिर जाता। चलो लालच करता, देखते हैं अभिया अटेम्प्ट करती है 6 के लिए या नहीं। रेडी अभिया, स्टिक में बेटा, स्टिक में रखो ना इसको, 4 एक साथ जमा कर लो स्टिक में। नहीं, टाइम स्टार्ट होने के बाद जमा करना, नहीं 4 शुरू में एक साथ जमा करने, फिर एक के बाद एक। चलो रेडी रेडी गो, चलो। एक हाथ से तुम्ही हो मेरी मंजिलों का पता, तुम्ही हम सफर हो मेरे प्यार के, मेरे दिल में एक ही आरज़ू, अगर ये निकल आया तो ये जीत जाएंगी, अगर ये गिरा नहीं तो ये जीत जाएंगी। आराम से बस आउट, नो डाउट। नहीं, गेम खत्म नहीं हुआ था। तुम घबरा गए भैया, तुम घबरा गए, क्या बात, यू आर ऑलमोस्ट देयर। नहीं,
अभी हाँ यू आर ऑलमोस्ट देयर, तुम घबरा गई हो एंड में। चलो ये पॉइंट भी जाएगा लाहौर लेपर्ड्स के साथ। लाहौर लेपर्ड्स के हो गए 4 पॉइंट, पिशावर वाले 1 पॉइंट पर है। अच्छा जी आप लोग सोशल मीडिया पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ये यूट्यूब पे लाइव भी है, मैंने नंबर शेयर कर दिया था, आप ये बता सकते हैं इस वक्त इन दोनों टीम्स में से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, क्योंकि जो आपकी फेवरेट टीम होगी मैं लास्ट में उस टीम को 2 नंबर दूंगा एक्स्ट्रा। ऐसा हाँ, हाँ। अब सोशल मीडिया भी हमारे साथ खेलेगा, बिल्कुल खेलना जितने चाहिए, लोग खेल रहे हैं वो हमें बताएंगे आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन है। एक एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, पांच रखने के बाद बासित ने छोड़ दिया एंड वी वर हैप्पी अबाउट इट बिकॉज दिस इज, ये सिर्फ ज्यादा करना तो एक है लेकिन वो ज्यादा करने से एंड में गिर गया, तो कम करके भी आप छोड़ सकते हैं ताकि आपको एक तसल्ली हो जाए कि यार मैंने इतना परफॉर्म कर दिया बस ठीक है मेरे लिए। शी वाज ट्राइंग हर बेस्ट लेकिन गिर, मुझे लग रहा था कि शायद कर जाओगी तुम, लालच पूरी बला है, तुमने एंड में पैनिक कर गई। ये हां एंड के अंदर पैनिक कर गई। अच्छा YouTube पे हमें देख रहे हैं लोग इस वक्त, जी जी लाइव है इस वक्त सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो मुझे आपने मैसेज दानिश आपने बताते रहना जो जो मेरे से बात करें उनके मैसेजेस आपने मुझे देने, मतलब लैला आपको मैसेज नहीं करना, आइए ना आप बोले ऐसा कह रहे सारे मैसेजेस मुझे करो YouTube के ऊपर, ये क्या बात हुई? नहीं लैला को भी, ये क्या बात हुई लैला, वो कैमरा तुम्हारा, ये क्या बात हुई लैला, आप भी बोले ना कि आपको मैसेज करें, मैं ये कह रहा हूँ आप पहले आप कह ले, नहीं वो कैमरा आपका वो है ना, आपको इधर आने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। अच्छा जी अगर आप लोगों को मेरी टीम पसंद है या आप लोग चाहते हैं कि हमारी टीम जीते तो प्लीज आप लोग हमें वोट दीजिए, या अगर आप कुछ और चाहते हैं तब भी लैला के लिए मैसेज करें। नहीं और से क्या, आप तो और से क्या मुराद है, और क्या चाहेंगे लोग, एक मिनट यार, एक तो यार एक मिनट मुझे क्या पता, मतलब आप कोई देखिए बात सुने, कोई डायलॉग सुनना चाहते हैं, कोई ऐसी बात करना चाहते हैं, कोई भी मैसेज हो सकता है, हाँ ये हो सकता है बिल्कुल, रमजान का आप अगर लैला से कोई डायलॉग सुनना चाहते हैं या एहसन से भी सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बताइए हमें कॉमेंट्स कीजिए, हमें आपके कॉमेंट्स का वेट रहेगा। आइए जी इसी नोट पे नेक्स्ट गेम शुरू करते हैं, सुनाओ भाई नेक्स्ट गेम हमारा, मेरा भाई रेडी है कुछ सुनाने के लिए, सुनाओ भाई। पॉजिटिव ये वहां क्यों रख दिया, यहाँ यहाँ कौन रखेगा बोल। चलो भाई एक बॉल यहाँ भी आ रहा है, जल्दी से मुझे टॉस करने के लिए कॉइन चाहिए जल्दी से। अच्छा अभी कॉल किया था लैला, आपने कॉल की थी, अभी एहसन की बारी है, एहसन आई आपकी कॉल है, ये आ गई बताइए। हेड इट इज, जीत गए एहसन। एहसन आपकी टीम से कोई आने वाला है या पिशावर हॉक्स को दावत दूं? वहां से आइए जी, हॉक्स के पास से कौन आएगा? इब्राहिम आप आएंगे या अभी आप आएंगे? इब्राहिम आएगा, आओ इब्राहिम। अच्छा देखो एक मिनट अच्छा, रुक जाइए आ जाओ पहले, एक चीज अब्दुल बासित और तुबा तुम लोग भी आ जाओ, मैं एक बार समझा दूं। देखो अभी ये पोजीशनिंग है, अगर तुमने वो छोटी जो बॉल्स हैं उसको ये वाली बॉल के अंदर पॉट करना है, ये पोजीशन बनाओगे तो जाएगी, अभी ये इसको अंडन कर देंगे, इसको आगे पीछे कर देंगे, नहीं इस तरह नहीं जाएगी, जो पोजीशन बनाई हुई है उस तरह जा सकती है बॉल। अभी हम इसको दोबारा से रफ कर देंगे, फिर तुम्हें याद रहना चाहिए ये इस पोजीशन के अंदर बॉल जाएगी, सही है? क्योंकि जब यहाँ से बॉल ड्रॉप करते हो तो ये जगह जगह जहाँ रुक रही है वो इस बॉल की स्पीड को हल्का करती है, वरना जितना तेज होगा वो बाउंस करके बाहर निकल जाएगी, इस चीज़ का ख्याल रखना है दोनों टीम से। रेडी हो चलो जाओ, आ जाओ इब्राहिम, आ जाओ भाई इब्राहिम, अब आपको बताएंगे उस्मान बताओ क्या करना है। देखो भाई इब्राहिम चेक कर लो एक दफा, यहाँ से बॉल छोड़ दोगे एक दफा, उसके बाद हाथ नहीं लगाओगे बॉल को, तुम हाथ नहीं, ये बात नहीं, उसको हाथ भी लगाना मुझे नहीं, ये फिक्स एक बार कर देना है आपने, अगर बॉल नहीं जा रही है फिर आप दोबारा फिक्स करेंगे, फिर एक बार बॉल छोड़ेंगे, असल काम इसकी पोजीशनिंग है। ये क्या किया है? चलिए जी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए, कौन आएगा? इब्राहिम आएगा, लैला आप यहाँ आइए। चलो भाई इब्राहिम ऑल द बेस्ट, एक पॉइंट तुमने जीतना अपनी टीम के लिए, रेडी रेडी गो। मैं था मर जाए
जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन तुमने इनकी पोजीशनिंग ऐसी करनी है। एक चीज बड़ा कॉमन सेंस था, इन दोनों को थोड़ा करीब कर देते ना, ये दूर दूर हैं तभी तो नहीं टकरा पा रहे एक दूसरे से। अभी हाँ यही तो बोल रही है, ऐसी थोड़ी चैंपियन के फाइनल पहुंची थी वो, यही खेल खेल के तो पहुंची है। लेकिन अच्छा, आई थिंक दो स्कोर बहुत अच्छा था, दो भी अच्छा है। आए भाई, कौन आएगा आपकी टीम से? तुबा या अब्दुल बासित? आ जाओ अब्दुल बासित, अब्दुल बासित चीता है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए भाई अब्दुल बासित, दो स्कोर बहुत अच्छा भाई। एक चीज है, आई नो एक चीज है, तो तुम लोग ये कर लेना ना फिर, वो ये कि लाहौर लेपर्ड से आप सिर्फ अब्दुल बासित से ही खिला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपके टीम मेंबर्स दो हैं, नहीं देखें हर गेम अब्दुल बासित खेल रहे हैं, अब्दुल बासित तो सुबह या मैं, हम तीनों में इससे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप नहीं रहा फिर कोई और खेल रहे हैं? नहीं, हम खेलते हैं। लास्ट टाइम में चार पांच गेम में खेला था बासित मेंबर। हां हां, बात ये है कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और एक हमारी मशवरा और सलाह, और दूसरा करो करो दूसरा जो हमें लोग लाइव देख रहे हैं, जी जी बिल्कुल, आपको पता है देख रहे हैं वो तमाम लोग, मुझे ये कहते हैं कि आप बासित को प्लीज, बिकॉज दे लव बासित वे ऑफ प्लेइंग, और तूबा की भी बहुत मतलब लोग पसंद करते हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि इनको जो टेक्निकल चीजें देखें, लेकिन फैंस अभिया के भी हैं, फैंस इब्राहिम के भी हैं, लोग ये चाहते हैं कि ये लोग भी आए और जीते। लेकिन इन दोनों जितने फैंस नहीं है किसी के, मैं ये तो वक्त बताएगा। देखा आपने, सुन लिया, इसलिए कहता हूँ कि जीतना जरूरी है। अभी तूबा को बुलाएंगे कि टीम हारने लगेगी, इन्हें क्या कह रही है अभिया? कह रही है हर बार बासित को बुलाते, अभिया कह रही है अगर ये लोग बासित को हटा के तूबा को बुलाना शुरू कर देंगे लोग हारने लगेंगे। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, जितने ज्यादा कुछ कह रही है, मैं कह रही हूँ जितने ज्यादा फैंस एसन के हैं, इतने फैन तो मेरे भी नहीं है जी, तो इस तरह से भी एसन को आना चाहिए। किसी ने कैप्टन लोग तुम्हें देखना चाहते हैं तो देख रहे हैं। मैं कहता हूँ आप कैमरा दे रहे हैं, ये देख रहे हैं लोग, प्यार कर रहे हैं, देख लिया लोगों ने मुझे, अब वो गेम जो मेरी टीम खेलेगी यार, क्या चाहते तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम कैसे खेलते हो, आपकी परफॉर्मेंस यार नहीं करो यार भाई यार प्लीज बस ऐसे ना हो ना, गेम्स के अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस है वो देखना चाहते हैं लड़ा, ये बस जरा चाय। चलिए भाई नेक्स्ट कौन आएगा? अब्दुल बासित रेडी, आ जाओ भाई, चलो रेडी रेडी गो। अरे बहुत आला, बहुत आला, समझ गया भाई के मेरा नाम है लाहौर लेपर्ड्स के पास बासित की शक्ल में हीरा हीरा, बहुत आला बासित, क्या बात है। एक एक मेरी रिक्वेस्ट है, ऑलराउंडर है आदमी, दानिश एक रिक्वेस्ट है, जब ये गेम इंशाल्लाह खत्म हो तो जितने भी इंडिविजुअल प्लेयर्स जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और जिस तरह हम ज्यादा बर्डन इस पे डालते हैं बासित पे, और टीम्स में मैंने देखे बड़े अच्छे अच्छे, तो उनके लिए भी एक स्पेशल कोई इनाम या मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज होना चाहिए। 10 हो गया एसएन के कहने पर, अब मैन ऑफ द लीग होगा, जो भी सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करेगा पूरी लीग के दौरान उसको भी एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उसका सबसे सबसे तगड़ा कंटेंडर मुझे अभी तक लगता है कि शायद अब्दुल बासित है। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है गेम में। आइए भाई, अच्छा जी YouTube पे कमेंट्स आ रहे हैं कि तूबा आप क्यों नहीं खेलने आ रही हैं, सारे गेम अब्दुल बासित क्यों खेल रहे हैं, आपके फैंस आपको भी देखना चाह रहे हैं। नहीं, अब ये वैसे हमें ये पता करना कि ये इनके YouTube भी था या पीछे से डायरेक्टर ने कहा है। देखिए असल में इस वक्त प्रॉब्लम ये है, नहीं नहीं आवाम ही कह रही है, उन्हें पता है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाहौर लेपर्ड्स को। अब लाहौर लेपर्ड से एसन जो है वो कैप्टन है, उसका डिसीजन है, वो चाहेंगे कि अब्दुल बासित हर गेम खेलने अच्छा, आ जाए वो आ सकते हैं। तूबा ने किया ना वो जो कॉटन डाल वाला एक गेम खेला था, दो गेम्स के लिए, लेकिन वो हार गई थी। व्हाई नॉट, शी इज अ वंडरफुल प्लेयर यार। चलिए चलिए नेक्स्ट गेम क्या है, जल्दी से लेकर आइए भाई।
और इस गेम के बाद जरा पॉइंट टेबल दिखाइए, क्या हो गया हमारे पास आज के गेम का? 4 नहीं ज्यादा हो गया मुझे। अच्छा, ज्यादा हो गया। स्कोर कार्ड दिखाइए। 5 लाहौर इस वक्त है जी 5 पॉइंट्स पे और पिशावर ने 1 पॉइंट ही हासिल किया है। क्या कर रहे हो इब्राहिम तुम लोग अभी? आ लैला कुछ करना होगा आप लोगों का। इंशाल्लाह होगा होगा। चलिए नेक्स्ट गेम है, लाए पहले पहले टॉस होगा, पहले बताएंगे नहीं गेम क्या है। जल्दी से लैला आपकी कॉल है दादा, इसमें बताइए। जीत गई है तूबा। लैला बताइए खुद खेलने आएंगी या किसी टीम को बुलाएंगी? नहीं, उस टीम से आएंगे जी, आपकी टीम से आएंगे। आप लोग टॉस हार गए। हमारी टीम पे बासित आएगा, फिर से बासित आएगा। ऑफ कोर्स बासित, मैं 15 गेम होंगी मैं बासित से खेला। मैं चाहता हूँ बासित को स्क्रीन टाइम भी मिले। ये आप तीन लोग अलग मत समझिए। टीम का मकसद ये है ना, ये हमारी प्लानिंग्स है। हाँ चलिए चलिए कोई बात नहीं, मैं कल से फॉर्मेट थोड़ा चेंज करके आऊंगा। चेंज तो फिर हम नहीं आएंगे, फॉर्मेट बन चुका है भाई। आ जाओ अब्दुल बासित, गेम तुम्हें आता है ये, तुम्हें मैं कई दफा सिखा भी चुका हूँ। यहाँ रखना है, बैलेंस करना है। अच्छा लास्ट टाइम एक गलती हुई थी अब्दुल बासित। हाँ जी, वो मैंने नोटिस, मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने जब टीवी पे देखा है, देख लिया जी, मैंने वो बाद में देखा है। खैर चलिए, रात गई बात गई, लेकिन आज मैं जरूर देखूंगा आपको। टिक जाता है वो। नहीं, उन्होंने जो था ये कवर उतारा ही नहीं था। ओहो, और अच्छा, किसी अच्छा, ने नोटिस नहीं किया। और भाई जीत भी गए थे। अच्छा चलिए जी, रेडी रेडी गो। सुकून से बहुत आला अगर कैप्टन खेलने आएंगी तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर अभी आएगी तो 1 पॉइंट मिलेगा। कैप्टन अच्छा भाई, मुझे बताया गया है बासित के पास अब सिर्फ 2 चांस है, कोई भी 2 गेम्स बासित और खेल सकता है, उसके अलावा नहीं खेल सकता है, ये मुझे अभी बताया गया है। क्या टोटल 5 गेम खेलनी है बासित ने। नहीं, नहीं। फिर नहीं हम खेले। हाँ जी, एक जो भी यहाँ रखा था वो बिल्कुल फ्रेश है, जो उनका वाला था वो ले गया। चलो टीम बन गई, हम करेंगे अभी। यहाँ रेडियो, एक मिनट का टाइम है, 4 स्कोर करना है तुमने अभी। ऑल द बेस्ट, रेडी गो। और यहाँ भी पिशावर हॉक्स हार गए हैं, लाहौर लेपर्ड्स के पास जाएगा 1 और कीमती पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स पर है लाहौर लेपर्ड्स,
एक पॉइंट पर है पिशावर हॉक्स, लेकिन आप लोग जो यूट्यूब पे इस वक्त लाइव देख रहे हैं वो देखते रहिएगा। एक चीज याद रखिएगा, लाहौर लेपर्ड से सिर्फ बासित आया खेलने, इनकी पूरी टीम खेल रही है। आखिर के दो पॉइंट्स आप लोग बताएंगे कि किसके साथ जाने चाहिए, मैंने ऑडियंस पे छोड़ दिया। लाहौर नेक्स्ट गेम क्या लेकर आओ जल्दी से भाई। अरे ये तो बहुत ही मजे का गेम है, वहां से तो कोई कैप्टन भी नहीं आ रहे। देखिए ये लोग देख रहे हैं ना बैठ के, लोग आखिर में मुझे बोलेंगे, मैं दो पॉइंट्स आपको दे दूंगा। दिखाइए भाई जल्दी से सोशल मीडिया की रैंकिंग, देखते हैं सोशल मीडिया की रैंकिंग दिखाइए इसमें जल्दी से, कितने परसेंटेज है दोनों पे। लाहौर इस वक्त 69% लोग चाह रहे हैं कि जीत जाए और 30% लोग फैंस आपके साथ हैं कि आप लोग जीते। नहीं भाई, लाहौर को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है मुझे। लोगों का जो लोगों की जो एनर्जी और प्यार जो ना लोगों का, वो देर नहीं लगती। क्या बोल रही हैं आप? काया पलटते हुए देर नहीं लगती। समझ नहीं आ रही मुझे, ये तुम बताना। चलो आ जाओ, समझ नहीं आई मुझे बात। मैं कह रही हूँ ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वेल विशेस आप लोगों के। वैसे शुरुआत नहीं है, हम समवेयर इन द मिडिल पहुंच गए, आधे गेम्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, अब आप लोगों को कम बैक करना है। ये लोग तो बड़े स्मूथली जा रहे हैं अपने ट्रैक पे, ये जीत के ट्रैक पे बिल्कुल गामजन है। आप लोगों ने पीछे से आके पकड़ना है इन लोगों को, सही है। चलिए, और ये फॉर्मेट ऐसा है कि पूरी टीम को खेलना है। अब ये गेम, ये वाला पर्टिकुलर गेम, इसके दो पॉइंट्स हैं क्योंकि इसमें दो प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे। आपकी टीम से भी दो प्लेयर्स आएंगे, इनकी टीम से भी दो प्लेयर्स आएंगे। ये गेम जो भी जीतेगा वो दो पॉइंट्स जीतेगा। आइए बताता हूं। हाँ जी, और कॉल आपकी है सर, बताइए। Here it is, Hassan, yes. क्या बात है, उनकी टीम से आएगा कोई? Yes. जी आपकी टीम से कोई भी आएगा, दोनों आप बल्कि आ जाओ दोनों। इब्राहिम 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 जल्दी से आ जाओ, देख लो करना क्या अभी। और इब्राहिम, ये मार्क होगा अबीरा का और ये मार्क है आपका, आप इससे पीछे देखो, ये मार्क लगा हुआ है, बस इससे आगे नहीं जाओगे। ये यहाँ से बॉल बाउंस करेंगी, आपने इन जितने भी ग्लास है इनमें किसी एक में पकड़ना है। कैसे दिखाओ, एक बाउंस पे, चलो दो बाउंस भी कर लो माना जाएगा। इन्हीं से नहीं हो रहा, इन्हीं से नहीं हो रहा, टीम कैसे करेगी भाई। चलो 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 बाउंस कर यार। चलो 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 चलो, आज सिखाते रहो बस, एक मिनट होगा, बस एक मिनट होगा, सिखाओ। नहीं नहीं, कल करके दिखाओ। कल मुस्तफा ने, हां हो गया, मुस्तफा ने 5 या 6 स्कोर किया था, मुस्तफा चौधरी ने। सही है जी, तो कौन है जो बॉल को फेंकेगा और कौन है जो बॉल पकड़ेगा? नहीं, लेकिन ये तो क्या है, ताकि उनको लगे कि सिंपल गेम है। आपका कोई भी एक प्लेयर रेडी होगा, उसके हाथों पे और पैरों पे ये कप्स लगा दिए जाएंगे। ये बाउंस कहां करके करेंगे? कहीं भी कीजिए, बाउंस कीजिए, उसने पकड़ना है, ऐसे आनी है। जितना अच्छा बाउंस करेंगे आपके प्लेयर को मौका मिलेगा बॉल को आसानी से पकड़ने का, जितना तेज फेंकेंगे वो नहीं पकड़ पाएगा। आपने बाउंस अच्छा करना है। आप खुद खेलने आएंगी कैप्टन? मैं यहाँ पे खुद आ रही हूँ अभी। अगर कैप्टन खेलने आएंगी और ये टीम जीत जाती है तो 3 पॉइंट्स होंगे, 2 कैप्टन के 1 प्लेयर का। वो जबरदस्त, सही है। good, अगर good, कैप्टन good, नहीं good, आते good, कोई good, और good, आता है, अगर आ आती अभी तो फिर 2 पॉइंट्स ही होंगे। दिल से आओ भाई इब्राहिम, जल्दी से आ जाओ, कैप्टन खुद खेलने आई है 3 पॉइंट्स के लिए। अगर आप ये पॉइंट्स जीतेंगी तो लैला 4 पॉइंट्स हो जाएंगे आप लोगों के। चलिए ऑल द बेस्ट, आ जाओ यहाँ पे, ये तुम बताना अभी, बस यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते। लैला आर यू रेडी? ये गेम जीतना आपकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का सिर्फ 1 पॉइंट है कम बैक करने का, इससे सुनहरी मौका नहीं मिलेगा। 3 पॉइंट्स का गेम हो गया आप लोगों के लिए, वहां जाइएगा पीछे। इब्राहिम वेरी कॉन्फिडेंटली। चलिए गाइस, 1 मिनट का टाइम है पेशावर हॉक्स के पास, रेडी गो। शाबाश 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 शाबाश, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ये बात शाबाश शाबाश इब्राहिम, चलो प्यार चलो चलो अच्छा सोनिया, ये गिरनी चाहिए गिरनी चाहिए, अच्छा सोनिया अरे अच्छा सोनिया, कलियां गुजारा गिराना नहीं, गिराना नहीं।
अरे बहुत आला, 5 करोड़, क्या बात है यार, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी वेल डन वेरी वेल डन यार। ये तो बड़ा पेशावर हॉक्स ने है 5 स्कोर कर दिए एक मिनट में। इसके दो स्कोर रखो यार। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। कैप्टन खुदाई आप आ जाइए यार, ये बहुत डेंजरस गेम है। आप आ जाइए, आपको भी 3 पॉइंट दूंगा अगर जीतेंगे तो। आ जाओ आओ जल्दी से। मतलब 5 बॉल्स उन्होंने कैच करी यार, 5 बॉल कैच किए भाई, बहुत आला। ये बेटा ये मार्क फाइनल है, ये फाइनल मार्क है आपका। कौन ऐसे ना है, ऐसे आप खेलेंगे? चलो भाई, दिल तो बहुत, तुम तो बहुत बड़े दिल के मालिक हो, ये गेम ना जीतो। अच्छा ना जी तो ये गेम। अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग का तो खैर भी टीवी पे दुनिया देख रही है। नहीं, अब ये क्या हो, ये तो कोई, ये तो ये कैसा स्पोर्ट्स पर स्प्रेड नहीं होगी, ये वैसे ही जीत जाए आप। चलो फिर बात ही लैला को वैसे ही जिताते हैं यार, क्या हो गया। नहीं नहीं लैला, ये हम लोग ऐसे नहीं जीतते, ओके, खेल के जीतेंगे, खेल खेलेंगे, हरा के जीतेंगे, ऐसे बार बार हरा के जीतेंगे। ट्रायल मैं देख, चलिए ट्रायल करना चाहता हूं। नहीं ट्राई नहीं, ट्राई नहीं, ट्राई नहीं, ट्राई उन्होंने भी नहीं किया था, ट्राई नहीं किया, हमने तो ट्राई किया था। आइए लैला आप जरा, ये तो हटो यार, आप आइए, 1 मिनट का टाइम है। एसएन खुद आए हैं, अब ये समझ नहीं आ रही क्या होने वाला, अब ये 3 पॉइंट का गेम है, सारी समझ है, पता नहीं भाई इनको पता होगा। रेडी गो, चलो चलो जल्दी जल्दी, ऐसा जल्दी जल्दी, एक यार क्या बात है यार, लॉर्ड लेपर्ड बहुत आला, एक नहीं दो नहीं तीन तीन पॉइंट जीत गए इस गेम के अंदर, क्या बात है लॉर्ड लेपर्ड की यार, छा गए लॉर्ड लेपर्ड 9 और पेशावर हॉक्स 1। यार ये कैसा वन साइडेड गेम हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ 1 पॉइंट इब्राहिम, कोशिश वैसे वो पूरी कर रहे हैं यार, बातें करोड़ों की उड़ान पकड़ोगी दानिश। हाँ जी, उनकी टीम से सिर्फ और सिर्फ अब्दुल आ रहे हैं, हम नहीं, अब तो एसएन भी आया, मैं खेल रहा था, एसएन आया, हो गया अभी आया, कौन आया, आया और 2 पॉइंट जीत के गए, 3 पॉइंट, हाँ हाँ 3 पॉइंट्स। कल से ये फॉर्मेट चेंज होगा, कल से एक प्लेयर मैक्सिमम 4 गेम्स ही खेल पाएगा, 4 या 5, ये कल डिसाइड करके मैं सबको बताऊंगा। खैर आज के लिए ये रूल्स नहीं लागू होगा, लाइए भाई नेक्स्ट गेम कौन सा हमारे पास लेकर आइए, और मेरी टीम रेडी बैठी है कुछ सुनाने के, हो जाए भाई। नहीं इसी तो मैं कहता हूँ जिंदाबाद है। चलिए जी ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मुश्किल है, मुश्किल है यार, कल मेरे ख्याल से किसी एक ने ये तीनों बास्केट फिल कर ली थी, एक दफा हुई है ये बास्केट फिल। अच्छा इसका एक पॉइंट है, दो यार इतनी मुश्किल से, एक नहीं नहीं, एक प्लेयर, एक प्लेयर जब भी खेलेगा उसका 1 पॉइंट है, ठीक है, दो प्लेयर्स का 2-3 खेलेंगे। लाइए भाई जल्दी से कॉइन लेकर आइए, कॉइन लाइए, ये अच्छा जी कॉल आपकी है लैला, आपकी कॉल है, बोलिए। टेल्स, टेल्स इट इज, पहले कौन खेलेगा बताइए, एसएन की टीम, एसएन आपकी टीम से कौन आएगा। देखो अभी तक तुम्हारी तमाम स्ट्रेटजीज नाकाम हुई हैं, तो अब कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं, उल्टा करो, है क्या उल्टा, यू शुड प्ले फर्स्ट, नो ओके योर चॉइस, फाइन, आओ यार बासित आ जाओ, फिर से बासित, मैंने तो एक बहुत, तू को भेजे स्ट्रेटजी चेंज करो, किसी और, आओ यार खेलो, आओ तुम, आओ ना बासित, आओ पकड़ो, आओ बासित, आओ, अभी तो खुद ही बोल रहे हो कुछ, हमारी स्ट्रेटजी ये काम है, आप तो हम क्यों चेंज करें, हाँ वो तो जीत रहे हैं, उनका तो विन विन सिचुएशन है लैला, उनकी तो विन विन सिचुएशन है, स्ट्रेटजी को चेंज किया जाता है, जीत ही रहे हैं सारे गेम्स भाई, लेकिन बस एक काम है, तूबा को मौका नहीं मिल रहा है। चलो जी एक मिनट, ट्राई करते हैं, ना 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 ना, इनको सिखाओ, ट्राई नहीं करना, ट्राई नहीं करना, टीच देम,
रेडी रेडी गो बिस्मिल्लाह रहमान इसके फिंगर्स देखो क्या देखो चला 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 शाबाश आगे हर कदम एक अब दूसरी बात के जब तक है बढ़ना है आगे हर कदम चलो 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 जब तक है तू हिम्मत न हार जुस्त जू जो करे वो ऊपर आसमान मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट वेरी वेल वेरी वेल डन बासित अब्दुल बासित ने अभी भी दो स्कोर कर लिया है अब ऑपोजिट टीम को तीन स्कोर करना ही पड़ेगा एक छोटी सी हिंट देता हूँ एक छोटी सी हिंट देता हूँ ये जो भी वायर है ना इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड रखना सीधा नहीं रखना इंक्लाइंड रखो इसको जाने दो और जहां पर बास्केट आया उससे थोड़ी देर पहले ड्रॉप करो तो मुझे लगता है शायद तुम लोग विन कर जाओ तीन स्कोर करना ही करना है एक पॉइंट है आप लोगों का नौ पॉइंट के साथ विन विन सिचुएशन है इन लोगों की कौन खेलेगा इब्राहिम खेलेगा चलो इब्राहिम रेडी गो अरे कमाल अपना घर ये काम नहीं होगा क्या बात इब्राहिम छोड़ो चलो चलो आगे थोड़ा थोड़ा और आगे थोड़ा आगे क्या आगे इतना तो है चलो चलो शाबाश हमको यकीन जज्बा जुनू तू हिम्मत न हार जस्तजू जो करे वो सुबे आसमान मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो वेरी वेल डन गुड ट्राई यार जबरदस्त इब्राहिम कोई बात नहीं आठ लग आठ लग ये गेम तो बराबर है हाँ ये गेम बराबर हो गया जी ये गेम बराबर हो गया है दोनों ने दो दो स्कोर किया और इसमें एक पॉइंट जाएगा लाहौर लेपर्ड्स के पास और एक पॉइंट जाएगा पिशावर हॉक्स के पास तो लाहौर लेपर्ड्स आर ऑन 10 पॉइंट्स और पिशावर हॉक्स के वहीं पर है सिर्फ दो पॉइंट्स लेकिन आप लोग तो गेम देख ही रहे ना आप लोग नोटिस कर रहे हैं ना कि हर गेम खेल रहे हैं लाहौर की तरफ से तो अब्दुल बासित आ रहा है उनकी पूरी टीम खेल रही है तो आखिर में दो पॉइंट्स आप जिसको कहेंगे मैं तो दे दूंगा बासित आ रहा है मैंने तो खेला था यार अब आए थे ऐसे और जीत के गए ऐसे आए थे एक गेम खेला है और जीत के गए हैं तीन पॉइंट्स सुबह के लिए दो गेम सुबह ने खेली है यार तुबा आपने दो तुबा ने दो खेली यार मैंने एक आप तुबा दो हाँ। वो सात सही है वो 15 खेलेगा भाई मतलब कोई रेशो ही नहीं है ये नहीं, 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 वो 15 गेमें भी खेलेगा ये मैं कल से फॉर्मेट चेंज करूंगा फिर आपको देखिएगा अरे ये गेम एहसन की टीम का बड़ा फेवरेट है अभी तक बासित हारा नहीं है ये गेम ऐसे मैं बता दूं इस गेम का नाम है स्कॉट्स आइए जी अच्छा अब आज जो चेंजेस हैं इस गेम के अंदर वो ये हैं कि अबीहा का मुकाबला होगा तूबा के साथ और अब्दुल बासित का मुकाबला होगा इब्राहिम के साथ इन दोनों में जो पहले गिर गया वो पॉइंट हार जाएगा ठीक है आप दोनों में जो पहले गिर गया वो पॉइंट हार जाएगा इस गेम के भी दो पॉइंट्स हैं इस गेम के भी दो पॉइंट्स हैं आइए दोनों गेम का नाम है स्क्वाट्स जी गर्ल्स के दो पॉइंट्स बॉयज के अलग में नहीं नहीं, नहीं, नहीं एक पॉइंट गर्ल्स के लिए है एक पॉइंट बॉयज के लिए लेकिन जो जो गिरता जाएगा जो जो इस पोजीशन से गिरता जाएगा वो गेम से आउट हो जाएगा और वो पोजीशन है जरा बताइए उस्मान कैसे बैठना है ये पोजीशन है स्क्वाट्स की ऐसे बैठना है जो बैठा रह जाएगा पॉइंट सिर्फ उसके साथ ही जाएगा अभी आया हूं बस 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 बिल्कुल ठीक है अब्दुल बासित वहां हो गया आप इब्राहिम थोड़ा सा चलिए रेडी गो कहूंगा उसके बाद रेडी गो बैठो 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 ये बात बिल्कुल सही है
कुर्सी जैसे काटो, बैठना है अब, यहाँ बैठो कहिए सुबह बैठो, सुबह सुबह बैठो, सुबह बैठो बैठो, सुबह बैठो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभिया 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 अभिया, हाँ सुबह बैठो 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 बैठो, हाँ बैठो बैठो। अभी आओ जाओ, जीत गया वोट गई है कोई यार, आप जीत गए वोट गई है। कहीं चुप कैसे वो दिल में समा जाए यार, तुमने बाल सेट करने में हाथ नीचे कर लिए थे, मैंने कहा क्यों नहीं आते हाथ तो आगे पीछे करने, वो उसने जब से हाथ सीधे रखे हुए तुमने, इसने हाथ बाल नहीं नहीं इसने ऐसे किया, बात सही किया और फिर कर लिया, नहीं 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 वो उसने हाथ जब से रखे हुए, स्क्वाट का मतलब है टांगों की, नहीं लेकिन हाथ की पोजीशन भी बताई थी मैंने साथ साथ, नहीं मैंने हाथ की पोजीशन भी बताई थी उस्मान ने, ये अब जबरदस्ती नहीं भाई, अच्छा अगर वो गेम का हिस्सा नहीं थे, गेम का हिस्सा नहीं थे, अच्छा ये सोशल मीडिया, एक मिनट मेरे लिए दोनों चीज बराबर है, दानिश लोग हमें देख रहे हैं वो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, वो बताएंगे, मैसेज कीजिए कि क्या चक्कर चल रहा है, आप हो नहीं सकता कि बासित इस गेम को आप रिप्ले में दोबारा जाके देखिए, बासित ने एक जगह पे हाथ नीचे छोड़ के बाल सही किए हैं, बात सही किए तुमने, अच्छा दूर सुनो, ये गेम होता ही ऐसे, ये नहीं कि ये लाइक ऐसे, ये क्या है कैसे ये ऐसे 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 ये क्या होता है, ये ऐसे है गेम, ओके दोबारा करना क्यों नहीं करती, नहीं ऑनेस्टली नहीं करूंगी। चलिए जी ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिशावर रॉक्स के नाम, बहुत आला अभी और इब्राहिम, बहुत आला दोनों, चार पॉइंट्स, लेकिन एहसन एहसन विन विन सिचुएशन है यार, 10 पॉइंट्स हैं, 10 चार ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि ये मतलब कर्टसी में पॉइंट्स देते तो ठीक है, नो इशू, नहीं 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 कर्टसी वाइज ये बच्चे का रंग, ये पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स अर्न किए हैं, रंग बच्चे, ये दोनों पॉइंट्स अर्न किए हैं पिशावर हॉक्स ने, क्योंकि मैं तुबा को कह रहा हूँ कि तुबा आप ऐसे बैठे हो, आपने ऐसे बैठे, का मैं मानता हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं बोला हाँ। वो लड़की बहुत अच्छा कर रही है, हाँ, बिल्कुल बेहतर थी, ठीक है ओके तू फाइन, बट थ्रू आउट बट उसने सिर्फ पोजीशन में, देखो यार जब बाल में लंबे बाल हैं सब बाल आते हैं, देखिए तो कितनी देर का था ये गेम, गेम था ही एक मिनट का, अगर आ भी रहते तो डजंट मैटर यार, क्या हो गया, नहीं यार ये भाई हाथ नीचे नहीं रखे, हाथ नीचे उधर, हाथ नीचे हो गए, हाथ नीचे हो गए, आपके हाथ रिलैक्स हो गए, मुकाबला करते हैं पता, अब थोड़ी टाइम ओवर, टाइम ओवर, लोग लाइव देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लोग लाइव देख रहे हैं और लोग बताएंगे, ये फेवर नहीं है, हैं ये फेवर नहीं है, ओके ये ऐसा मत बोलो, नहीं फेवर है ये, नहीं कहां से, नहीं नहीं फेवर नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं लड़ते नहीं, लड़ते नहीं, यहां गेम खेलने आए हैं, गेम खेलने आए हैं, आग आग, ये फेवर है, ले लो नंबर, जाओ यार ऐसी बात नहीं है, जाओ दे दो, देख रहे हैं सब, नंबर दो, चार नंबर हो गए पेशावर की टीम, क्योंकि फाइन यार, चार पॉइंट्स पे पेशावर की टीम, 10 पॉइंट्स पे लाहौर लेपर्ड, खुले दिल के इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई है, इससे पहले कि झगड़ा हो जाए आइए नया गेम खेलते हैं, लाओ भाई जल्दी से लेकर आओ, अगर आपको लगता है कि आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं, नहीं किससे बातें कर रही हो तुम, क्या किससे बातें कर रही हो, तुमसे नहीं कर रही, ओके कहां देख रही थी मुझे, क्या है सर अच्छा प्लीज प्लीज क्या, लेकिन भाई अभिया कमाल तुमने तूबा को हरा दिया, अभिया ने फिर से तूबा को हराया है, ये चैंपियंस की सही फाइनलिस्ट थी, यानी कि तूबा क्या कहना चाहोगी नहीं, लेकिन घर में प्रैक्टिस तो कोई नहीं करता ना, एक्सपीरियंस तो जब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट गेम में देखेंगे। अच्छा जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, मैं स्लिप्स उठाऊंगा, इसमें जो भी लिखा होगा आपको वो परफॉर्म करना होगा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है ये, सही है, लाइए कॉइन दीजिए मुझे जल्दी से,
कॉल करेगा मेरा भाई एहसन, एहसन बताइए आप। यार मैं तो कह रहा हूँ जब इतनी फेवर कर रहे हो पेशावर के साथ, फेवर तो नहीं कर रहे, देखो टीम है यार, वो तो फाइटिंग और पेशावर के लोग क्या टीम बनाते हैं, आपको आपकी हार हजम नहीं हो रही। अरे हार रहे थोड़ी है, ये लोग 10 पॉइंट्स पर हैं, जीत रहे हैं। अभिया, अभिया जी, अभिया बाल बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। चलो नजर ना लगा दे, टेल से देखिए, अब आप नजर मत लगाएगा, इससे पहले भी नजर लग चुकी है हमारी टीम को। अच्छा जी लैला, आप जीत गई हैं टॉस, अब बताइए कौन उनकी टीम को पहले पूछूं? बिल्कुल ऐसे सिचुएशन, सिचुएशन बड़े मजे की है, और ये जो सिचुएशन है ये मैं बताऊंगा आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कही जाइए करी, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। गेम शो ऐसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा, जहां हम रोक कर गए थे गेम को वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था कि सिचुएशंस बताऊंगा आपको एक्टिंग करने के लिए दोनों टीम्स के लिए। इस गेम के दो नहीं बल्कि 3 पॉइंट्स हैं, अब जो बेहतर एक्टिंग कर लेगा उसको मैं 3 पॉइंट्स दूंगा। आइए टॉस, आप लोग जीते थे, वो लोग जीते थे, लेकिन आपने कहा था पहले ये लोग खेलेंगे, नहीं ऐसा ही हुआ था? हम जीते थे उसको पहले। अच्छा उनको बोला था, सिचुएशन आपके लिए। अच्छा जी बहुत आला, ये सिचुएशन है नखरेबाज लड़की गुस्सा करते हुए। अब आप है नखरेबाज लड़की और आप कर रही हैं गुस्सा, एक लड़का है जो स्टॉक कर रहा है आपको, काफी अरसे से पीछा कर रहा है आपका, और आप चाहती भी हैं कि वो आपसे बात करे, लेकिन आपके नखरे हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आप ये भी चाहती हैं कि वो रूठ के ना जाए, सही है? एक तीर से दो शिकार। आइए जरा आप जल्दी से यहाँ पर आइए बासित, ये सिचुएशन है और मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ एंट्री करनी है। आगे होइए, उस तरफ होइए, थोड़ा सा थोड़ा उस तरफ होइए। अच्छा इस गेम का डिसाइड करेगी मेरी टीम सारी, हम में से कोई डिसाइड नहीं करेगा, मेरी टीम को जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाएंगे उसके साथ। अब्दुल बासित रेडी हो, तू बा रेडी, नखरे वाली लड़की रेडी, गो। हे लड़की, चलती है क्या 9 से 11? तमीज नहीं है बात करने की आपको? यही तो तमीज है मेरी, यही तो तमीज है मेरी। आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं यार? बड़ा प्यार करता हूँ आपको। ऐसे कौन प्यार करता है यार? मतलब रास्ते में चलते मैं प्यार करती हूँ तुम? नाम तो ले ले, नाम पहले तो नाम ले ले। तो पूछो नाम क्या है, आप पूछे नाम क्या है, वो बोलेगा प्यार का मारा, बोलो घर का पता दो। हाँ जी ये टाइम जा रहा है आपका, बता रहा हूँ, ये आपकी परफॉर्मेंस काउंट हो रही है, मेरी टीम देख रही है। नखरे वाली लड़की है, एक लड़का स्टॉक कर रहा है, आज उससे बात करने का मौका मिला है आपको, बोलिए नाम तो बता। क्यों क्यों बताऊं आप कौन है? बड़ी प्यारी हो। थैंक यू। कैसे बोलती हो प्यारी प्यारी? यार आपको क्या है, आप क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो? मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा हूं, अपने दिल को फॉलो कर रहा हूं। ओहो कोई बात नहीं करनी, बात ना करें प्यार करें। क्यों प्यार करूं, मैं आपको जानती नहीं हूं। जान लेंगे, दो बातचीत कर लेंगे। नहीं जानना आपको, बात क्यों रही हूँ मैं, काटूंगा क्या? बस 27 सेकंड रह गए, चलिए 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 माइक में, जो भी बात करनी है माइक में, टाइम जा रहा है। चलिए बहुत अला, ऐसे गाना गा रहे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, क्या बात है? फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे। टाइम अप। नहीं यार तुमसे प्यार व्यार नहीं होगा मुझे लग रहा है भाई,
टाइम अप हो गया है इनकी सिचुएशन। मेरा चीता एक मासूम आदमी है बेचारा, प्लेयर है, नहीं हो रहा ये हरकतें, ऑल फॉर हरकतें, बाकी जो है इससे ये एक्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये टिकटॉकर भी है, तो ये तो जानता होगा एक्टिंग को, ये तो अभी सीख रहा है, म्यूजिक चलाना पड़ता है, स्टूडेंट है, हाँ एक्टिंग के स्टूडेंट हो, कोई गाना चला रहा है, परफॉर्मेंस देख लेते, गाना चला के परफॉर्मेंस, चलो भाई परफॉर्मेंस करते हैं इस गाने को, भाई के बाद चलाइएगा, हाँ जी गाने पे गाना ऐसे गाएंगे, सिंग तुमने करना है, सोना ना चांदी ना कोई, क्या देखे क्या देखे कैमरा देखे, तुझको मैं दे सकूंगा फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। बात है कि उस बेचारे ने ये गाना नहीं सुना, मैं इंडियन गाना या गाना मैं समझ गया हूं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जब से ये टिकटॉक में स्लोमो आया है ना, तो ये लोग स्लोमो पे एक्ट कर करके ये इनकी परफॉर्मेंस भी, ये सोना ना जा, जैसे तुम बताओ कोई पाकिस्तानी गाना बोलो, कोई भी पाकिस्तानी, कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ, लारीटा सुनाएं, लारीटा पे करेंगे परफॉर्म, हां लैला करेगी इस गाने पे परफॉर्म, लैला कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ परीज ने, क्या ये गाना पाकिस्तानी गाना कोई सागर है तो, हाँ चलो है, नहीं कोई पाकिस्तानी गाना याद ही नहीं है, खैर इनका टाइम हो गया है, आप इनको मैंने एक सिचुएशन दी थी, डिसाइड करेंगे आप लोग कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है इस गेम के, याद रहे 3 पॉइंट्स है, नेक्स्ट सिचुएशन में निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, सिचुएशन है चुड़ैल भूत और सर कटा, सच है सच है, सच है, दानिश ये कोई सिचुएशन नहीं है, नहीं चेंज करेंगे, कोई सिचुएशन देखिए, नहीं दानिश मसला ये है, ये सिचुएशन चेंज करेंगे, ये कोई सिचुएशन नहीं है दानिश, चुड़ैल भूत और सरगड़ा, नहीं ये कोई सिचुएशन, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तीन तो कैरेक्टर्स हैं, सिचुएशन में आपको बता यार, अगर निकल आई है सिचुएशन तो क्या हो गया यार, सिचुएशन ये है कि जैसा ये सरगड़ा है, ये सरगड़ा है और ये दुनिया का वाहिद सरगड़ा है जिससे लोग नहीं डरते, ये लोगों से डरता है, ये वाहिद ऐसा सरगड़ा है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, बच्चों क्या समझ आएगी, और ओवर हो गया भाई, सरगड़े की शादी हो गई है चुड़ैल के साथ, दानिश डरपोक सरगड़ा ये हो गया, अब चेंज नहीं होगा, नो अब चेंज नहीं होगा, चेंज तो नहीं हो सकती सिचुएशन, ये सिचुएशन हर चीज में आपके सामने, हर चीज में मेहनत और तरले नहीं चलती की बात, ये क्या मतलब, कौन सी मिनते कौन से तरले, एक्सक्यूज मी हसन, हम लोग भी गेम खेल रहे हैं और जीत भी रहे हैं, आराम से रहो, टॉक टू माय हैंड हसन प्लीज, ओके जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए चलिए, सिचुएशन है आपकी, अच्छा चलो समझ लो, सर कटे आप ही चुड़े, लेकिन आप डरपोक सर कटे, क्या है ये सिचुएशन, मेरा शौहर है, ये आपके शौहर है और आप चुड़ैल हैं, आप चुड़ैल हैं, ये सरगटे आपके शौहर हैं, ये वैसे ही डरपोक सिचुएशन को डर के रखा हुआ है, और आप इनसे बोल रही हैं कि बाहर जो है वो कोरोना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, चलिए आइए माइक पे बोलना है आपने, डेढ़ मिनट का टाइम है, तो ऐसा नहीं, मेरा दिमाग खाया हुआ है, एक बार मुझे फिर बता दें क्या है, अब आप अगर एहसन को देखती रहेंगी तो मेरी बात कहाँ सुनेंगी, मैं प्लीज आई एम सॉरी, अब आप मुझे देख रही हैं, अब जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा, ये सर्कट है, ये सर्कट है, आप देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ आप सुन उनकी बात रही हैं, इसमें तो आई कांट हेल्प इट एहसन, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जाहिर है, अच्छा मुझे बोलने तो यार अपना काम करो, असल में आपने फोकस जो है वहाँ रखा हुआ है, मेरी बात सुन रही है, अब आप सुन रही है, अच्छा जी लैला देखिए, ये है सरकटे लेकिन डरपोक है, ये चुड़ैल है इनकी बीवी, दोनों घर में है, चुड़ैल जो है वो सरकटे से बोल रही है कि आपने घर से बाहर नहीं जाना है, बाहर वायरस है, सरकटे जो कह रहे मेरा घर में दिल नहीं लग रहा है, भाई मैं कब तक यहाँ बैठ के तुम्हें देखता रहूंगा, तुम खाना बना रही हो मैं खाता रहूंगा, मैं मोटा हो जाऊंगा, इसलिए मुझे घर से बाहर जाना जरूरी है, ये सिचुएशन है आपकी, सरकटे का कोई नाम नहीं होगा, सरकटा सरकटा चुड़ैल का नाम, चुड़ैल आओ जल्दी से, तुम्हारे पास डेढ़ मिनट है, आप लोग बताएंगे सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसकी है, चलिए जी चलिए, और आप लोग नॉर्मल आपस में एक दूसरे से डरते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज, आइए करीब आइए, आगे आओ बेटा लाइट में आओ, अभी आ अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, एक ही वक्त में दोनों ने नहीं बोलना और समझ ही नहीं आती है, हाँ एक एक करके रेडी गो, तुमने डरना नहीं है, तुम सरकटे हो, मैंने कुछ ना बहने जाना,
बार करो ना फिर मैं कब तक कर जाऊंगा मैंने तुझे कहा था तुम घर में रहूंगा मेरा दिल नहीं लग रहा क्यों गया मेरा दिल नहीं लग रहा तुझे बाहर क्यों गया मेरा दिल नहीं लग रहा तुझे दिमाग से नहीं लग रहा दिमाग से किसका हुआ क्या मेरा कब तक मैं घर में रहूंगा ये चुड़ैल की तरह मुंह देखता रहूंगा एक एक करके बोले चुड़ैल की तरह मुंह कब तक इस तरह देखता रहूंगा मेरा दिल घर में नहीं लग रहा इधर तो आओ तुम लोग कहां जा रहे हो यार सॉरी दिस इज इट्स वेरी No, it's not impressive. I think इनसे ये काम नहीं होगा ये इनसे नहीं होगा आप इनको मुझे लगता है कि इनको थोड़ी सी सिचुएशन चेंज ये इनके पास का काम नहीं है आप टाइम के बारे में आप लोगों का खून मंगवाया था मैंने वो भी ताजा चुड़ैल लग रही है एक्ट नहीं कर रही खबरदार जो खौफनाक म्यूजिक बजाया गुरु ने पहले हुए मुझे जाना है भाई ये सरकटा कम और कुछ और लग रहा था मुझे जाना है कहाँ जा रहा था भाई ये जाना है यही बोलेगा ना सरकटा लग रहा था बाकी एक ही बात बोले जा रहे हो कि मुझे जाना है क्यों जाना है घर बैठ बैठ के थक गए हो बहुत मासूम है जैसे उनकी टीम में वो तूबा है ना जो हर किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करती मेरे शो में बेचारा बहुत मासूम है बेचारा अच्छा उधर से पूछो मैंने उससे बोला कि ये तो सिर्फ ये बोले जा रहा है घर से बाहर जा रहा है वो कह रही है ये मेरा ये वाला प्लेयर बड़ा मासूम है जैसे इनकी टीम में तूबा है जो कुछ नहीं करती है और बहुत अच्छा एक्ट किया आपने तो दो गेम सीधा ही मैं दोनों जीत गया बाद इतना थक गई कि फिर दोबारा आई खामोश एक सेकंड विनर कौन है दानिश अच्छा एक मिनट की बोले मैं तुझसे प्यार करता हूं कौन फसाने जा रहा था मेरे लिए चलिए तूबा वो सुन क्या मतलब एक मिनट पूछा बोलो मेरी टीम बताएगी कौन जीता है एहसान एहसान भाई की टीम ऐसे इधर एहसान भाई की टीम जीत गई भाई ऐसे इधर आओ एहसान इधर आओ पेशावर जीती है फैसल यार ये एहसान ये तो तुम गन पॉइंट पे ले रहे हो क्या देखो वो कह रहे हैं आपकी टीम फैसल आप बताइए दो पिशावर दो इस्लामाबाद रियाज पटेल पिशावर हाँ भाई जॉनसन पिशावर के साथ जाइए टीम पॉइंट पिशावर जीत गई है ऐसे दो लोगों ने बोला ऐसा चार लोगों ने बोला ऐसा पिशावर तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जीते हैं इस वक्त पिशावर ने और पिशावर के पॉइंट बताइए कितने हो गए अरे 10-7 क्या बात है ऐसे बहुत जबरदस्त कमबैक है पिशावर का 7 पॉइंट्स के साथ पिशावर आ चुका है आप लोगों के करीब कोशिश की गन पॉइंट पे नतीजा लेने की 10-1 था थैंक गॉड पॉइंट्स शुक्रिया स्कोर कार्ड था वो बता रहा था कि 10-1 इन्होंने कमबैक किया है 7-10 हो चुके हैं गेम बहुत मजे का चल रहा है दिखाइए भाई सोशल मीडिया पे क्या पोजीशन है हमारे गेम की जी स्टैट्स दिखाइए पिशावर का क्या स्टैट्स है इस वक्त ओ पिशावर का स्टैट्स 47% हो गया है अब 52% लोग कह रहे हैं कि लाहौर लेपर्ड जीतेंगे अब तकरीबन बराबर बराबर आ गई है पोजीशन स्टैट्स के ऊपर भी सोशल मीडिया पे भाई ऑलमोस्ट 52% होने वाले हैं 52% आप लोग हैं 48% ये लोग क्या मैं इस बात पे क्या यकीन ही नहीं कर सकता किस बात पे क्या आप हारे इस बात पे सोशल मीडिया क्या और जितने मेरे व्यूअर्स हमारे हैं मैं यकीन ही नहीं कर सकता क्या मुझे 100% यकीन है कि इस वक्त जो है वो वोटिंग हमारे लिए ज्यादा होगी लाहौर लेपर्ड्स के लिए इट्स इम्पॉसिबल के बराबर हो आई डोंट बिलीव नहीं 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 ये तो मुझे बता रही है स्टैट्स आपके सामने आपको बहुत जोर का झटका लग गया है 440 वोट का झटका लग गया है आपको जो आपको आपकी हार बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आप बताओ इसको हमारे कहने आपके 7 है अभी आप हार रही हैं बस 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 जब भी हमने यहां पे खुद को प्रूव किया है दो गेम्स में आई है
शुरू में आप लोगों के साथ ही बराबर है ऑलमोस्ट। आगे क्यों आ रही हो? मैदान में तो आइए, मैदान में आइए। तुम लोग लड़ना क्यों शुरू हो जाते हो आपस में? अचानक मोहल्ला टाइप फीलिंग लगती है मुझे। हमारी कैप्टन को इतनी नजर लगाई, बेचारी जख्मी हो गई। क्या हो रहा है? हां वो बेचारी इंजर्ड है। लैला जी जो है वो इंजर्ड है, उनके उनका नाखून पर चोट लगी है। इंजर पिंजर क्या हो? पता नहीं, इंजर्ड नहीं है, इनके कल चोट लगी है। अच्छा इंजर्ड है, सॉरी। कह रहे लैला का इंजर्ड। मैंने कहा लैला हमारी इंजर्ड हो गई है कल। अब देखिए मजाक उड़ा रही है, मैं क्या करूँ बताइए। ऐसा कोई बात नहीं। हाँ तुमने मुझे पूछा था कि क्या आपने इमोशनल कर दिया लैला को? ऐसा तुमने पूछा था कि मुझे क्या हुआ? मेरा नेल टूट गया यार। कैसे पता नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं सो रही थी। अब तुम इसका भी मजाक बना रहे हो। सोते सोते टूट गया। इसीलिए मैं बता नहीं रही थी। सोते एक सेकंड सुन लो। मेरा यार एक ऐसा जो है ना, मेरा अपना ही पांव अपने ही पैर के साथ। ये कोई है कहीं से आया है जो हंस रहा है यार? नहीं नहीं, मेरा अपना पांव अपने पांव के साथ ही टूट गया मेरा। How sad. वो इतने लंबे लंबे नाखून जो खवातीन रखती हैं, बड़े डेंजरस होते हैं वो, मतलब नहीं वाकई बहुत पेन में हूं मैं। ठीक है, तो मैं चाहिए एक दो गेम से तुम वैसे ही हार जाओ। वैसे ही हार जाओ। फिर आप फिर फेवर मांग रही हैं। हां फिर वो बोलेगा कि हां ये मजाक कर रही है। चलिए लेकिन वो तो मतलब ये कि चलो चलिए जल्दी से नेक्स्ट गेम लेकर आइए। नेक्स्ट गेम है जी बस कर दो भाई टंग ट्विस्टर्स यार। अच्छा जी, आप लोग YouTube पे लाइव हमें देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि इस वक्त आज कौन सी टीम विन करने वाली है। ये मैच बहुत ही मजे का मुकाबला हो गया है। पिशावर आ चुके हैं 7 पॉइंट्स पे, लाहौर फिर भी बहुत आगे हैं 10 पॉइंट्स के साथ, लेकिन अभी भी गेम्स बाकी हैं। और सबसे बड़ा गेम बाकी जिसका नाम है गेम चेंजर, वो देखना तो भूलिएगा ही नहीं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज सबसे तगड़ा टंग ट्विस्टर्स में कौन है। लाइए भाई कॉइन लाइए, कॉल है आपकी, बताइए। हेड इट इज। बहुत आला जी, टॉस जीत चुकी है, इसका मतलब है कि मैं पहले ऑपोजिट टीम से पूछूंगा। इस गेम के भी 2 पॉइंट्स हैं, इस गेम को भी जो विन करेगा उसके 2 पॉइंट्स हैं। पहले कौन अटेम्प्ट करेगा टंग ट्विस्टर के लिए? आप करेंगी तुबा? चलिए तुबा, बेस्ट ऑफ लक, वेलकम। सोशल मीडिया पे इस वक्त पिशावर को 45% वोट मिले हैं। वैसे जितवा दो, नहीं भाई आप लोग 55 पर हैसन। अच्छा फिर ठीक है, ओके सर। यार हैसन ये क्या, हम लोग खेल नहीं रहे क्या? हाँ तो मैं कौन सा सीरियस हूँ, मजाक कर रहा हूँ? जीत मांग रहे हमारे फैंस से। देखिए मजे की बात मैं आपको बताऊँ, आप लोग 30% पे थे, ये लोग 70 पे थे, ये 55 पे आ गए, आप लोग 45 पे हो गए। ऐसे इस बात को एडमिट क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, क्यों नहीं करेंगे एडमिट? वो कह रहे कि वैसे ही जिताया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, हरगिज भी नहीं, हरगिज भी ऐसा नहीं। अब तो लग रहा है, अब तो साफ लग रहा है, वहां से भी बोला, फिर उस पिछले उस गेम में भी, लेकिन चलो खेल रहे हैं अब हम आ गए। तुम भी मान जाओ। किस चीज का? कि हम लोग अच्छा खेल रहे हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी टीम से बोले कोई है कि यहां पे आगे चले? बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहे, चले आगे बढ़ते हैं। चलिए जी पहला टंग ट्विस्टर है, टू आर यू रेडी? अच्छा 7 मरतबा बोलना है, 7 मरतबा, आज सारे बहुत आसान है। 7 मरतबा बोलना है, 2 चांसेस दूंगा, एक चांस जब गलत कर जाओगे तो दूसरा चांस दूंगा। सही है, रेडी हो? आधा तीतर आधा बटेर, पूरा लीटर आधा लीटर, आधा तीतर आधा बटेर, पूरा लीटर आधा लीटर, हाँ पूरा लीटर आधा लीटर, आधा बटेर पूरा लीटर आधा लीटर, आधा तीतर आधा बटेर पूरा लीटर आधा लीटर, 7 मरतबा बोलना है। रेडी हो? क्या बोलना है बोलो माइक में। आधा तीतर आधा बटेर पूरा लीटर आधा लीटर, आधा लीटर पूरा, हाँ लीटर आधा लीटर, हाँ जी आधा तीतर आधा बटेर पूरा लीटर आधा लीटर, सिंपल तो है, काफी होगी प्रैक्टिस आई थिंक। चलो भाई रेडी, एक अपनी रेडी रेडी गो। आधा तीतर, एक चांस आपका जाया हो गया, बहुत आसान है यार, आधा तीतर आधा बटेर पूरा लीटर आधा लीटर। यार मैं करता हूँ ये, नहीं आप ये नहीं करेंगे, इसके बाद वाला करेंगे, ये तो प्रैक्टिस हो गई है आपकी, ये आपको ही बोलना है। आधा तीतर आधा बटेर पूरा लीटर आधा लीटर, पूरा लीटर आधा लीटर, आधा तीतर आधा बटेर पूरा लीटर आधा लीटर, मैं तुम्हें क्या सबक याद करा रहा हूँ इतनी दफा। चलो तू बा रेडी हो, क्या बोलना है बोलो। आधा लीटर आधा लीटर आधा तीतर आधा बटेर, पहला इन्होंने अटेम्प्ट कर लिया ना एहसन, वो मुझे वो बोलते मैं उनको बोल देता। आपकी एक गलती हो चुकी है, रेडी गो। आधा तीतर आधा बटेर पूरा लीटर पूरा बटेर, आधा लीटर में बता रहे पूरा लीटर आधा लीटर, एक गलती हो गई आपकी, आपकी बारी आ गई है।
कौन करेगा अटेम्प्ट? आप करेंगे अटेम्प्ट? नहीं नहीं, मैंने कहा आप बताएं। नहीं नहीं, पहले आप मुझे बताएंगे अटेम्प्ट कौन करेगा? अभिहा करेंगी। अभिहा आप करेंगी? आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। कदर नहीं, हाँ। आलू है, आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर समझो बस आलू ही है। ऐसे इनकी तरफ नहीं देखो, तो दानिश से देखो। समझो आलू है। नहीं, एक सेकंड, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। इस गेम में इंटरप्शन नहीं है, इंटरप्ट नहीं करेंगे। दोबारा बताइएगा दानिश, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब आप भी बताएं जी, दोबारा बताइएगा। आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। आलू है, आलू है पर मटर नहीं, पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं, नहीं। ओके, तो सही है, एक दो दफा रिपीट कर लो। आलू है, लैला 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 आप बैठ जाइए। हां यही है ना, आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं, यही है ना। ओके, रेडी रेडी गो। आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड वन, बिल्कुल सही बोला है आपने। शुक्रिया, एक पॉइंट जीत गई है आप लोगों का, जीरो पॉइंट है। दूसरे जी, इसके बाद एक और, उसके बाद चलिए आप रेडी हैं अब्दुल बासित? चाचा को चांदनी चौक तक छोड़ा, चाचा को चांदनी चौक तक छोड़ा, चाचा को चांदनी चौक तक छोड़ा। रेडी हो अब्दुल बासित? एक गलती की गुंजाइश है तुम्हारे पास, रेडी गो। चाचा को चांदनी चौक तक छोड़ा, चाचा को चांदनी चौक तक तोड़ा, छोड़ा तोड़ा। गलत हो गया है, आराम से आखिरी चांस है, रेडी गो। क्या था? चाचा को चांदनी चौक तक छोड़ा, रेडी गो। चाचा को चांदनी चौक तक छोड़ा, 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 चाचा को चांदनी तक छोड़ा। पांचवी में फिर रह गए और जीरो पॉइंट्स। फिर से बारी है आप लोगों की दो पॉइंट्स जीतने की। गाइस दो पॉइंट्स है, नौ पे आ जाओगे आप लोग अगर जीत जाते हो तो, नौ दस हो जाएगा। अच्छा, ये दोबारा मैं ले सकती हूं? प्रॉब्लम है, दूसरा प्लेयर अटेम्प्ट करेगा। थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग नहीं है। अब्दुल बासित की भी थी, अब्दुल बासित की भी थी, लेकिन अब आपने ही अटेम्प्ट करना है। अच्छा, क्या है लाइन? जी बता रहा हूँ, इब्राहिम रेडियो, तुम्हारा टंग ट्विस्टर है। अब जाओ जल्दी आओ, आलू लाओ खाना खाओ। अब जाओ जल्दी आओ, आलू लाओ खाना खाओ। अब जाओ जल्दी आओ, आलू लाओ खाना खाओ। उनको दानिश अब जाओ जल्दी आओ, आलू लाओ खाना खाओ। उधर देखे, अब इधर देखो, जल्दी आओ, उधर देखो, उधर देखो। अब जाओ जल्दी आओ, आलू लाओ खाना खाओ। अब जाओ जल्दी आओ, आलू लाओ खाना खाओ। सिंपल, अब जाओ जल्दी आओ, आलू लाओ खाना खाओ। अब जाओ जल्दी आओ, आलू लाओ खाना खाओ। अब जाओ जल्दी आओ, आलू लाओ खाना खाओ। चलो टाइम हो गया, रेडी रेडी मैं कर लूं? नहीं नहीं, इन्होंने करने है। रेडी गो। अब जाओ जल्दी जाओ, आलू लाओ खाना खाओ। अब जाओ जल्दी आओ, अब जाओ जल्दी आओ, आलू लाओ खाना खाओ। आखिरी चांस है, अब अगर नहीं होगे, मुझे मुझे सुनाओ पहले। अब जाओ जल्दी आओ, आलू लाओ खाना खाओ। रेडी, चलो इब्राहिम टाइम हो गया, लैला टाइम हो गया, लैला बहुत टाइम हो गया भाई, बस लैला टाइम हो गया, क्लास नहीं चल रही कोई। रेडी, आगे चलो यार, ये क्या एबीसी शुरू हो गया। अब जाओ जल्दी आओ, आलू लाओ खाना खाओ। रेडी गो। अब जाओ जल्दी लाओ आलू। ये मुझे दे दें, ये वाला चांस मुझे दे दें। ये उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैं कर रही हूं। अभी वो एबीसीडी क्या हो रहा है, स्कूल खुल गया यार। जल्दी आओ, कौन सा स्कूल खुल गया भाई? जाओ जल्दी आओ, नहीं बस सॉरी टाइम हो। रेडी, बहुत टाइम भी तो है उनके पास। रेडी रेडी गो। अब जाओ जल्दी आओ, आलू आलू लाओ खाना खाओ। बस 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 हो गया, हो गया, हो गया, बस। आखिरी चांस है, आखिरी, आप दोनों में से कौन अटेम्प्ट करेगा, ये ऑप्शनल है। मैं अटेम्प्ट कर लेता हूं यार। आप करेंगे? कर लेते हैं ना। चलिए आप करेंगे अटेम्प्ट, लास्ट है। आसान ही देख रहा हूँ कौन सा है, ये आ गया जी। तड़प शड़प शटक पटक निकला, यही है ऐसा भाई, आप तो कैप्टन है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तड़प शड़प शटक पटक, तड़प शड़प शटक पटक, तड़प शड़प शटक पटक, हमारी दफा तो तुमने एक चेंज की सिचुएशन देने दी थी। तड़प शड़प शटक पटक, सात दफा तो मैंने बोला। चलो ऐसा, तड़प शड़प शटक पटक है, बड़ा सिंपल है। तड़प शड़प शटक पटक, चेंज नहीं होगा, ये नहीं आ रही ना, समझ लो। तड़प शड़प शटक पटक, ये दिखा दो।
चलो नहीं तड़प शड़प मुझे क्या पता इन लोगों ने दिया यार टाइम निकल गया तड़प शड़प शटक पटक शटक पटक क्या मतलब शटक मुझे क्या पता तड़प शड़प और शटक पटक तड़प शड़प शटक पटक तड़प शड़प शटक पटक एक मिनट ये कोई क्लास नहीं चल रही है सर मैं बता रहा हूँ चलिए चलो ना क्लास नहीं चल रही है स्टार्ट रेडी ये क्लास नहीं चल रही स्टार्ट करो तड़प शड़प शटक पटक एसएन रेडी शटक पटक रेडी गो तड़प शड़प शटक पटक 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 बिल्कुल सही साथ बिल्कुल सही बहुत आ रहा एक पॉइंट जीत गए हैं अब आप में से कौन अटेम्प्ट करेगा अगर आप में से कोई सही अटेम्प्ट कर लेता है ये दो पॉइंट्स आप लोग जीत जाएंगे वरना मुझे एक एक पॉइंट देना पड़ेगा इनका भी एक पॉइंट होगी आपका भी लाइन तो बताएं नहीं बताऊंगा बाद में मैं अटेम्प्ट कौन करेगा पहले मुझे ये बता देना जाहिर है हम में से कोई करेगा बता तो दे कौन बताएगा नहीं 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 पहले मुझे बताइए कौन अभिया करेंगे क्यों अभिया कर सकती मैंने कहा था ऑप्शनल मैंने कहा था ऑप्शनल है मैंने आपसे भी कहा था कि ऑप्शनल है कोई भी बोल सकता है खिलवा रही है हर गेम अभिया आप भी तो हर गेम में पास बात भेज रहे हो आप भी तो हाँ डिस्टेंस डिस्टेंस है बात कर रही हूँ क्या भाई क्या हाल बैठ के बात हो सकती है नहीं नहीं आप भी तो बासित को भेज रहे हो ना हाँ अभी तो बासित को नहीं भेजा था तूबा ने खेला बासित ने खेला मैंने खेला हाँ तो क्या नाम है लंबे बाल वाली का अभिया अभिया ने खेला उसे क्या नाम है इब्राहिम इब्राहिम ने खेला अब तुम खेलो आप खेलेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए हाँ बिल्कुल सही जैसे ये लोग कह रहे थे कि भाई हमारे सारे गेम हमारी मर्जी हमारी मर्जी मैं खुद अभिया बोलेगी चलो अभिया लेकिन प्लीज प्लीज जरा पकोड़े चार मकोड़े तीन पकोड़े चार मकोड़े तीन पकोड़े चार मकोड़े तीन पकोड़े चार मकोड़े तीन तुम्हें याद रहेगा पकोड़े चार मकोड़े तीन अच्छा एक मिनट अगर तुम नहीं बोल पाए तो यही उल्टा हो जाएगा फिर मकोड़े चार मकोड़े नहीं नहीं कोई गाने वाले नहीं पीछे से बिल्कुल रेडियो चलो चलो गाने नहीं गाने नहीं मकोड़े चार पकोड़े बारी तो बज रहा था म्यूजिक यार नहीं बजेगा चलो रेडी 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 अभी पहले में बजेगा मकोड़े चार पकोड़े तीन रेडी गो मकोड़े पांच मकोड़े पंद्रह यार ऐसा खुदा का वास्ता है क्यों गलत बता रहे हो मकोड़े चार पकोड़े तीन मकोड़े दस पकोड़े पंद्रह यार ऐसे क्या कर रहे हैं आप मकोड़े आठ पंद्रह मकोड़े ऐसे नहीं सारे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे आपके ओके चलो भाई मकोड़े चार पकोड़े तीन इनकी बात ना सुनो ये पंद्रह पकोड़े कह रहे हैं पंद्रह नहीं है हाँ नहीं इनसे बोला चुप रहे हैं चुप रहे हैं बीच में ड्रम नहीं करेगा ऐसा नहीं करता नहीं करेगा बीच में आठ कोड़े पंद्रह यार कोई है सुनकर समझाने के लिए मकोड़े चार पकोड़े तीन रेडी गो मकोड़े चार पकोड़े तीन 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 मकोड़े चार पकोड़े सात हो गए बिल्कुल दो पॉइंट्स क्या बात है पिशावर हाउस की पूरी कोशिश से क्या हार जाए पकोड़े चार थे मकोड़े तीन थे इससे पकोड़े मकोड़े चार पकोड़े तीन यही बोलना था मकोड़े चार पकोड़े तीन यही बोल आप कितना अच्छे ना आपने मेरा फौरन सही करवा चलो भाई ओके 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 ठीक है एसएन की पूरी कोशिश इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स जीते हैं पेशावर हॉक्स ने क्या बात है दस नौ बहुत आला बिल्कुल करीब आ गए ये अच्छा हम पूरी मेहनत कर रहे हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं आखिरी गेम चेंजर से पहले मेरे ख्याल से ये लास्ट गेम होगा अगर ये गेम एसएन आप जीत गए तो फिर आप खेलेंगे गेम चेंजर लेकिन अगर कहीं पिशावर जीत गई ये गेम तो पिशावर खेलेगी गेम चेंजर ये लास्ट गेम है अभी का मैं बताता हूँ कितने पॉइंट्स का दिखाओ भाई गेम लेकर आओ अगर अगर फिर भी पॉइंट्स बराबर हो गए तो फिर टॉस होगा भाई नई गेम है ना बनाए मतलब नहीं नहीं नई गेम नहीं नई गेम कोई भी नहीं हो रहा है पता नहीं लाओ भाई नेक्स्ट गेम क्या है लेकर आओ जल्दी से जल्दी से जब तक नेक्स्ट गेम आ रहा है मेरे भाई रेडी है सुनाने के लिए सुना भाई रुठ के न जा गोरिये मान भी तो जा अरे मान भी तो जा आहा
मेरे घर के बीच में है लारी एटा लारी एटा लारी एटा ये क्या बात है। अच्छा जी एहसन कहाँ रह गए बुलाइए एहसन। दो पॉइंट्स का गेम है ये, दो पॉइंट्स का क्योंकि ये सबसे मुश्किल गेम है। नहीं ये रोज पूछ लीजिए, लास्ट टाइम भी इस गेम के दो पॉइंट्स है। ये मुश्किल गेम है, ये मुश्किल गेम है। कोई भी खेलने आएगा, कोई भी प्लेयर आएगा, उसके दो पॉइंट्स है। अगर आज आप लोग ये गेम जीत जाते हैं तो ये गेम चेंजर आप लोग खेलेंगे, लेकिन अगर ये गेम पेशावर हॉक्स जीतती है तो आज गेम चेंजर को खेलने की हकदार ये टीम होगी। इसलिए इस गेम को जरा सीरियस लीजिएगा। ला भाई टॉस जल्दी से लाओ। एसएन आपकी कॉल है, बताइए। हेड्स इट इज जी। आप चाहेंगे कि दूसरी टीम से कोई खेलने आए, आओ भाई जल्दी से मैं बताऊं क्या करना है। आपकी टीम से कोई खेलने आएगा मैं आपको गेम समझा दूं क्या करना है, जरा आइएगा। नहीं पहले डिसाइड करें कौन खेल रहा थी। ये नट्स है, नट्स के ऊपर आपने बॉल रखनी है, उसके बाद इसको बैलेंस करके बस याद रहे ये जो बॉल है ऊपर ये गिरनी नहीं चाहिए, और जो सबसे कम टाइम में ये कर लेगा आज वो होगा विनर, और वही टीम खेलेगी आज गेम चेंजर जिसके हैं 5 पॉइंट्स, 10 लाख रुपए और 3 बाइक्स। सही है, कौन आएगा अभी आप करोगे? रेडियो दो पॉइंट्स जल्दी जल्दी करना है, कम से कम टाइम में करना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बात, जल्दी जल्दी। ओ खुशियां छिटियां गल्ला बड़ा बड़ा करो, अरे लड़ते लड़ते टेंशन हो गई कुड़िये मान जा। अपने धर्म ना दिखा, ये तेरी खाला जी का घर नहीं है, ये हलारी डलारी डलारी एटा। हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हलारी डलारी डलारी एटा। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हलारी डलारी डलारी एटा। हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हलारी डलारी डलारी एटा। हाँ यहाँ सुनेगा नहीं कोई पुकार, ये हलारी डलारी डलारी एटा। और अभी यहां से नहीं हुआ, एक सुनहरी मौका। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम। एक सुनहरी मौका इन्होंने जाया कर दिया है। आइए भाई दो पॉइंट के लिए बासित, आ जाओ बासित। 9-10 देखते हैं जी अब बासित कर पाते हैं या नहीं, बासित अब करें या ना करें। बासित गेम चेंजर एसएनडी टीम खेलेगी। बासित अगर नहीं भी ये गेम जीता तो फिर भी गेम चेंजर अब ये खेलेंगे। जी आप लोग एक नंबर से लीड कर रहे हैं। चलिए जी रेडी रेडी गो। ओ चलते चलते देखना एक दिन काबू माएगी, अरे साथ जीऊंगी साथ मरूंगी कसमें खाएगी। हाँ चलते चलते देखना काबू माएगी, अरे साथ जीऊंगी साथ मरूंगी कसमें खाएगी। अरे चारों तरफ मैं हूँ तेरे बच के कहाँ जाएगी, अमेरिका हो चाहे दिल्ली फ्रांस चाहे लारी डलारी डलारी एटा। आह तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारी डलारी डलारी एटा। आहा 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 आहा, रुक के न जा तो ये है, मान भी तो जा। अब्दुल बासित से भी नहीं हुआ। हाँ जी इट्स ओके, स्टिल हम लोग लीड कर रहे हैं। दोनों टीम से नहीं हुआ, फिर भी हम लोग लीड कर रहे हैं। दोनों टीम्स को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, किसी ने कोई टेंशन नहीं किया, कोई टेंशन नहीं। 10 पॉइंट पर है लाहौर लेपर्ड्स, 9 पॉइंट पर है पिशावर हॉक्स। नहीं उन्होंने ये किया है, ये कर रहे थे, ये क्यों किया, ये कौन कर रहा था, क्या होगा इससे नहीं, ये कौन कर रहा था, ये किया है तो बॉल हमारी गिरी है। अच्छा एक मिनट था, एक मिनट में दोनों टीम्स में से किसी से नहीं हुआ।
अभिया का माइक कहाँ है? अभिया माइक, माइक दो अभिया को, अभिया को माइक लगे दो, अभिया को माइक लगे दो। बोला वो पैर मार रही है। किसने मारा? वो पैर मार रही थी और वो फूके मार रही थी साथ में। आपको पैर लगे? दो दिन पहले चलेंगे। पैर लगे आपको? तो नहीं लगे, लेकिन अगर आप दूर खड़े होके सारे घर को हिलाओगे। नहीं किया ऐसे, क्या तुम लोग क्या एग्जाम लगा रहे हो? अरे किया, अच्छा 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 अच्छा, 9 पॉइंट 10 पॉइंट। नहीं नहीं चीटिंग की बात नहीं, बैठे 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 बैठिए बैठिए बैठिए। देखे कोई? देखे ना, देखे कैमरा देख रहे हैं। मजाक कर रहे। किया था? किसने किया? जी आप दूसरों को बोल रहे नहीं माने। अगर ऐसा होता एक पॉइंट से हम लोग देखिए, शायद मैं कहीं मिस कर गया हूँ, लेकिन आप लोग रिप्ले करके देख सकते हैं और देख के जरूर बताइए यूट्यूब पे कि क्या पिशावर हॉक्स ने बेमानी की है या नहीं की है। नहीं, दो पॉइंट्स, आज के दो पॉइंट्स याद रखिए, बहुत क्रूशल है, क्योंकि पिशावर हॉक्स है 9 पॉइंट्स पे, लाहौर लेपर्स के हैं 10 पॉइंट्स। आप लोग जो कहेंगे ये दो पॉइंट्स उनको चले जाएंगे। लेकिन अब आज का सबसे बड़ा गेम है जिसका नाम है गेम चेंजर, क्योंकि लाहौर लेपर्स के हैं 10 पॉइंट्स, वो 1 पॉइंट ज्यादा है पिशावर हॉक्स से, इसलिए अब डिपेंड करता है एहसन के ऊपर कि वो खुद खेलना चाहेंगे या अपनी ऑपोजिट टीम को दावत देंगे खेलने की। जी एहसन, क्या करना चाहिए? अब माइक में बोले, खुद ही खेलेंगे, खुद ही खेलेंगे, जो आपकी मर्जी होगी वही होगा। आप लोग खुद खेलेंगे तो ऑब्वियसली मैं ही खेलूंगा इसको। बहुत आला, बहुत आला। चूज हमें नंबर पहले आपने एक ब्रीफ केस चूज करना है अपने लिए, कोई सा भी। ये 5 ब्रीफ केसेस हैं, आप लोग विनिंग टीम है अभी तक की, इसलिए आपके पास सारी पावर्स हैं, आप कोई भी एक ब्रीफ केस चूज कर सकते हैं। बोलिए, 1 2 3 4 5 5 नंबर के ब्रीफ केसेस हैं। जी एक ब्रीफ केस आप चूज करेंगे, 3 ब्रीफ केसेस आपकी ऑपोजिट टीम चूज करेगी। अच्छा। जो रिमेनिंग एक ब्रीफ केस होगा वो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन आप गेम में किसी भी वक्त जब भी आपका दिल चाहे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर तो लोग देख, क्योंकि ये गेम ऐसी है जी, जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही होती लाइव, तो इसको इन्वॉल्व करने का बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, अगर फीडबैक मिलता रहे और नंबर मुझे सोशल मीडिया के थ्रू, अगर आप नंबर, आप लोग इस वक्त हेल्प आउट कर सकते हैं एहसन को और उनकी टीम लाहौर लेपर्ड्स को। अगर आपको लगता है कि एहसन को नंबर 5 लेना चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, आप बताइए नंबर 1 लेना चाहिए, या आपको कहीं भी लगे कि एहसन को अब एक्सचेंज कर लेना चाहिए ब्रीफ केस, तो हमें फौरन बताइएगा। लेकिन पहला डिसीजन आपका है, आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा आपका लकी नंबर है आज। क्योंकि यहाँ पे 2 बार पहले खेल चुका हूँ, ठीक है, और एक बार आप जीते एक बार हारे, ठीक है, और मैंने दोनों बार एक ही नंबर पे नोटिस किया है, नंबर 5 नहीं, नंबर 3, नंबर 3, ओके, तो इसलिए मैं नंबर 3 लूंगा और बाकी इनकी चॉइस है। नहीं दानिश हंस रहे, मुझे क्या पता, मुझे तो पता ही नहीं इसमें क्या है यार, बाखुदा मुझे नहीं पता कि इन ब्रीफ केसेस में क्या। अच्छा, 3 नंबर मैं अपने पास रखेंगे हम लोग, और लास्ट टाइम भी ये नंबर मेरे लिए ठीक रहा, उससे पहले भी दूसरी टीम के लिए ठीक रहा, लेट्स सी, हो सकता है इस बार भी ये ठीक रहे। चलिए ऑल द बेस्ट, लोग जो देख रहे हैं वो अगर बताते रहेंगे तो उस हिसाब से हम खेल, आप अगर कहेंगे कि एहसन को यहाँ आके नंबर 3 एक्सचेंज कर लेना चाहिए तो फिर एहसन सोचेंगे इस बारे में। चलिए एहसन, आपने मुझसे कहा नंबर 3, राइट? यस, लाइए भाई नंबर 3 लेकर आइए। नंबर 3 उस्मान डिम्बेले के हाथ से जाएगा एहसन के पास, एहसन इसको ओपन नहीं कर सकते आप, ये ब्रीफ केस आपका हो गया। लैला जी आपकी बारी है, कौन सा ब्रीफ केस लेकर आऊं? सोच समझ के 10 लाख रुपए के साथ साथ ये विनिंग और लूजिंग का सवाल है। अगर आज आप लोग 5 पॉइंट्स जीतते हैं तो आप 2 पॉइंट्स जीत जाएंगे पॉइंट्स टेबल के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का मैच जीतना। बोलिए, 4 नंबर 4 लैला के साथ जाएगा ब्रीफ केस नंबर 4। अभी हाँ बताइए आप, 1 2 5 कौन सा ब्रीफ केस लाऊं जल्दी से? कोई भी एक ब्रीफ केस मंगवा सकती हो आप। 1 नंबर 1 पक्का? डैम श्योर। चलिए आप कह रही हैं डैम श्योर, तो ले आइए भाई नंबर 1 जल्दी से, ब्रीफ केस नंबर 1 अबिया ने मंगवाया है अपने लिए। इब्राहिम बारी तुम्हारी है, तुम्हारे पास 2 ब्रीफ केसेस बचे हैं, नंबर टू लाओ भाई, नंबर 2 लेकर आओ।
नंबर टू इब्राहिम के साथ जाएगा, और ये जो नंबर पांच है ये रह गया मेरा। अब अगर ऐसा खेलना चाहेंगे या कहीं भी मुझे बोलेंगे तो मैं एक्सचेंज कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल सारी पावर्स हैं ऐसन के पास। ऐसन जो कुछ बोलेंगे हम सिर्फ वही करेंगे। ऐसन बताइए सबसे पहले कौन सा ब्रीफकेस खोलूं? याद रहे अगर सबसे बड़ा इनाम जब भी निकल आया ये गेम वही खत्म हो जाता है। लास्ट टाइम भी मेरे सर में दर्द शुरू हो गई थी जब भी ये गेम स्टार्ट हुआ। जी बड़ा कंफ्यूजिंग है। ऐसन ये ब्रीफकेसेस दो तीन दफा चेंज हो जाते हैं, तो आगे आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहेंगे तो कर देंगे, नहीं करना चाहेंगे तो कोई जरूरी नहीं, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, आपकी मर्जी है। यहाँ पर बाखुदा मुझे भी नहीं पता इन ब्रीफकेसेस में क्या है। ये बहुत कंफ्यूजिंग गेम है सिवाय प्रोड्यूसर्स के, ये किसी को नहीं पता पूरे सेट पे कि इसमें क्या है, ये मुझे भी नहीं बताते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा क्या ख्याल है कौन सा आज नंबर ज्यादा जरा? मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, शुक्र है ये कि मैं नहीं खेल रहा। क्या ख्याल है, क्या नाम है? इब्राहिम क्या ख्याल भाई है? मेरा तो मेरे पास इब्राहिम का ख्याल है कि उसके मेरा ब्रीफकेस नंबर है 5। तुम्हारे किस नंबर पे नजर है? अच्छा भाई यूट्यूब पे लोग कमेंट कर रहे हैं सबसे ज्यादा के जो मेरा ब्रीफकेस है नंबर 5 उसमें 10 लाख रुपए हैं, लेकिन पता नहीं, पता तो उनको भी नहीं है, सब तुक्का मार रहे हैं इस वक्त। अच्छा तो हम नंबर 2 खोलें या नंबर 4? नंबर 2। ऐसन की हेल्प कीजिए यूट्यूब पे कमेंट करें और बताइए कि लाहौर लेपर्ड्स को कौन से ब्रीफकेस के साथ आज जाना चाहिए। बताइए जल्दी से ऐसन कौन सा ब्रीफकेस खोलूं? नंबर 2 खोल लीजिए। लाइए भाई नंबर 2 लेकर आइए, इब्राहिम का ब्रीफकेस है नंबर 2। अगर आज ये दो नंबर में 10 लाख रुपए निकल आते हैं तो 10 लाख 5 पॉइंट्स और 3 की 3 बाइक्स जाएंगी पिशावर हॉक्स के साथ और गेम हो जाएगा यहीं पर खत्म। ऐसन जब तक मैंने ये ओपन नहीं किया है आपके पास पूरा चांस है कि आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप फिर कहेंगे कि मैं इसे ओपन कर दूं अब मैं खोल दूंगा। बताइए आई थिंक पता नहीं नंबर 2 पे तो बिल्कुल, नंबर 1 और नंबर 2 पे मेरा बिल्कुल आज ये है कि मुझे लगता है इसमें कुछ नहीं होगा, दोनों में कुछ नहीं होगा फीलिंग है और ये मेरी टीम की भी यही फीलिंग है। तो मैं बिस्मिल्लाह करूं? ऐसा ने मुझे कहा कि नंबर 2 को ओपन करके देखते हैं, ये नंबर 2 इब्राहिम ने अपने लिए मंगाया था और ये क्या हुआ, ये जो भी कुछ हुआ पहली बार हुआ है, ये आज जो भी कुछ हुआ है ये पहली बार हुआ है। इब्राहिम 2 नंबर तुम्हारा लकी नंबर था जी, क्या हुआ? इब्राहिम का लकी नंबर आपने खुलवा दिया। मैंने आपसे आखिर तक बोला कि 2 नंबर ब्रीफकेस को अगर आप एक्सचेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, आपने कहा नहीं, आपको एक फीलिंग आ रही थी कि 2 नंबर ब्रीफकेस में तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, या मैं यूं कहूं कि वाकई कुछ नहीं था। हसन मैं अभी बता रहा हूं, यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं कि हसन को नंबर 5 लेना चाहिए, लेकिन लोग बोल रहे हैं, लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। जरूर मुझे यकीन है कि नंबर 1 और नंबर 2 में कोई खास चीज नहीं है, लेकिन नंबर 4, नंबर 3 एंड नंबर 5 ये 3 जरा कंफ्यूजिंग। एक ब्रीफ केस इस गेम से आउट हो गया है, वो है नंबर 2। बचे 4 ब्रीफ केसेस, मुझे जल्दी से बताइए नेक्स्ट ब्रीफ केस कौन सा खोला जाए। क्या लगता है तुबा नंबर 1 में क्या है? चलिए जी जरा जल्दी से मुझे सोशल मीडिया की रैंकिंग दिखाइए, लोग क्या कहते हैं इस वक्त, 2 पॉइंट्स किसके पास जाने चाहिए? एहसन पिशावर 45% पे है और लाहौर है 54% पे। हाँ अब ये बताएंगी तूबा, क्योंकि मैं अपनी टीम के बगैर दोबारा दिखाइए। अरे पिशावर हॉक्स 54 पे, आप लोग आगे चले गए। वाओ थैंक गॉड, और 45 में आप लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। ऐसा सब बोल रहे हैं ब्रीफकेस नंबर 5 ले लो, लेकिन फिर भी आप जो बोलेंगे वो करिएगा, कुछ तो लोग कहेंगे क्या खुलवाओ, लोगों का काम है अभी के पास है ना नंबर 1 तो कुछ भी नहीं होगा खाली। इसे कहते हैं डायरेक्ट अटैक। अपने जैसे समझ रखा है क्या?
अपने जैसा बिल्कुल भी नहीं समझा तभी बोल रही हूँ। जबी आप मुझे अपने जैसे समझिएगा भी मत यार। तुबा तुम कहना चाह रही हो ये वाला ब्रीफकेस बिल्कुल फारिग है, मेरी तरह अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। नहीं तुम कहना चाह रही हो भी नहीं है, इस ब्रीफकेस में कुछ नहीं है, फारिग है, बिल्कुल फारिग, बिल्कुल फारिग। हाँ बिल्कुल, ये तो ये बात वो बोले ना इंसान जिसके अंदर तपड़ हो, आप में तपड़ है, मेरे में है, इतनी होती तो बाकी सारे गेम खेलती उसको थोड़ी ना आगे करती। जीते भी है हम, जीते भी है। चलो जी आपकी टीम का क्या डिसीजन है? अच्छा यार, जब तुम्हारे कह दिया नंबर वन खुलेगा, बस नंबर वन खुलेगा। हालांकि बासित ने बोला नंबर वन नहीं, बट तूबा की बात मानूंगा मैं। लो भाई नंबर वन लेकर आइए, कोई बात नहीं, क्या जल्दी से ब्रीफकेस नंबर वन जो के। अच्छा बासित ने भी नंबर वन बोला, ओके अभी यहाँ का था यार, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देखते। अगर आपको डर है तो एक्सचेंज करा लीजिए। तुम्हें क्या लग रहा है इस ब्रीफ केस में क्या होगा? क्यों? क्योंकि अभिया के पास था। ये क्या रीजन है यार? अभिया ये तो डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं तो तुम पर, वो कह रहे हैं कि ये ब्रीफ केस चूंकि तुम्हारे पास था इसलिए इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बोल तो रही हूँ, उन्होंने सबको अपने जैसा समझ रखा है। मैं जल्दी से नहीं समझती, आप अपने जैसा मुझे समझने की गलती भी मत कीजिएगा। इस ब्रीफ केस में क्या है, कहाँ मैं हूँ? जी बिल्कुल, कहाँ मुझ में और आप? मैं बताता हूँ कि कौन कहाँ कहाँ है, तुबा कहाँ है और अभिया कहाँ है। मैं बताता हूँ कौन कहाँ कहाँ है। ऐसा नंबर वन ब्रीफ केस में खोल के देख लू? खोल लीजिए यार, खोल ले यार, खोले खोल खोल भाई, आप कह रहे हैं तो देख ही लेता हूँ फिर। आज का सबसे बड़ा इनाम क्या है हमारा? क्या है? 10 लाख है। जब मैंने कहा कि आप ये एक नंबर ब्रीफ केस चेंज कर सकते हैं तो आपने क्यों नहीं सोचा इस बारे में? और तुबा तुम्हें क्या लग रहा था कि ये अभिया का ब्रीफ केस है इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा, यही लग रहा था तुम्हें? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, नहीं होगा इसमें, ये तो कंफर्म है कि उसमें 10 लाख। मैं बताता हूँ कि इसमें कितने लाख है या नहीं है, बाकी जितने मैं बताता हूं कि 10 है या नहीं है। अगर 10 लाख रुपए इसमें निकल गए, जबकि गौर से देखा जाए तो ये 10 ही बना हुआ है, 1-0, लेकिन पता नहीं इसमें 10 लाख रुपए हैं या नहीं। अगर 10 लाख रुपए निकल गए हैं इस वक्त तो गेम खत्म हो जाएगा, 5 पॉइंट चले जाएंगे आप लोगों के पास। आप लोग सोशल मीडिया पर जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए कि 2 पॉइंट्स किसके साथ जाने चाहिए। आज के 2 पॉइंट्स बहुत ही जरूरी है। एक नंबर ब्रीफ केस आप लोगों ने बोला था मैं खोल दूं और मैंने खोल दिया। अबीरा अभिया आपने बोला था एक नंबर में कितने पैसे है? 10 लाख रुपए नहीं है, 9 लाख है, 1 लाख कम थे अभी। हाँ ये भी ले लो, ये भी ले लो, 9 लाख ऐसे, ये भी ले लो आप। That was very close यार, very close, but 10 लाख नहीं निकला। मैं तुबा को इस बात का साथ देता हूँ कि इसकी जो सोच थी, लेकिन तुबा परेशान हो गई कुछ देर के लिए। अच्छा जी, पूरे शो के बाद आप जाके होश आए, आप जाके उनका दिमाग चला है, मुझे शुरू में भी होश था, दिमाग चला है उनका, पूरे शो में सो रहे हैं, जीत भी गई हूं पूरे शो में, आप कौन से गेम जीती है? हां ये तो है, अब ये बता दे, जीती हूं आपको स्काउट्स में हरा दिया, बाकी सारे गेम आप जीत गए। ओ ये स्काउट्स में है, आप जीत गए, बस जीती हूं भाई, ये कैट फाइट जो है ना, कैट फाइट ये बाद में करते हैं सारे गेम आप मुझसे अभी यार, बाकी लोग किसने कितना अटेम्प्ट किया, आप लोग फिक्र ना करें, लोग सबसे ठीक तरह जज करेंगे और बताएंगे कि 2 पॉइंट्स किसके साथ जाने चाहिए। चलिए जी अगला ब्रीफ केस कौन सा खोलूं, या अगर आप चाहें तो एक्सचेंज करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप बोलेंगे खोल दो तो मैं खोल दूंगा ब्रीफ केस, सारी पावर्स आपके पास है भाई, आप जीते हुए बताइए। ये तुबा की सारी बातें मान रहे हैं वैसे ऐसा ना, इस गेम में, इस गेम देख रही हूँ तो ऐसा सारी बातें मान रहे हैं तुबा की, बताइए। नंबर 4 खोलते हैं, क्या करें? नंबर 4, नंबर 4 खोल देते हैं, नंबर 4 खोल दे। अच्छा नंबर 4 का तुम भी कह रही हो, नंबर 4 तो क्या लग रहा है, 5 और 3 में कुछ है? 5 और 3 में कुछ लग रहा है यार, ये बड़ा बहुत क्या लगता है?
आपकी टीम को क्या लगता है कौन सा नंबर है उसमें? उन लोगों को अपने हर ब्रीफ केस में लग रहा था 10 लाख रुपए ही है, हर ब्रीफ केस में लग रहा था। I have no idea. इस गेम में तो मैं बिल्कुल, इस गेम में किसी को कोई आइडिया हो ही नहीं सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक। फोर थ्री फाइव फोर खुलवा ले पक्का। नंबर फोर फोर खुलवाएं जी, फोर खुलवाते काशिफ जरा लाना। और ये नंबर फोर जो था ये लैला ने अपने लिए मंगाया था, क्योंकि लैला को लग रहा था कि नंबर फोर में आज 10 लाख रुपए और 5 पॉइंट्स हैं। ऐसन जब तक मैं इसे ओपन नहीं कर रहा हूं, लोगों की बात सुननी चाहिए या नहीं? लोग मुसलसल कह रहे हैं कि 5 नंबर ब्रीफ केस लेना है। आगे आपकी मर्जी है। अच्छा। मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात, लोगों का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं बस। ठीक है बिल्कुल, मैं लोगों की बात बहुत सुननी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, लास्ट टाइम भी उनकी बात सुन के नंबर 3 मैंने चूज किया था। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर वो 5 को वोट कर रहे हैं और 5 और 3 अभी सेफ हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट मरहला होगा कि हम दोनों में से कौन सा खुलवाते हैं। योर कॉल, आप मुझे बोलेंगे नंबर 4 खोल दूं तो मैं खोल दूंगा। हां रेडी, खोल दो खोल दो खोल दो। चलिए जी, ऐसा ने कहा नंबर 4 ओपन करते हैं। ये नंबर 4 लैला ने मंगाया था अपने लिए ये सोच के कि इसमें 10 लाख रुपए हैं और 4 नंबर में 10 लाख रुपए होंगे? बस ऐसे ही दिल ने कहा। आपका लकी नंबर 4 है? आजकल तो समझ नहीं आ रही कि लकी नंबर है कौन सा। मैंने नोटिस किया इस गेम को खेलते हुए आप बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम भी मेरे सर में दर्द शुरू हो गई थी, पता नहीं क्यों somehow। चलिए जी, प्रेशर मैं जल्दी से इसे ओपन कर देता हूँ। 4 नंबर ब्रीफकेस। इससे पहले मैं अनाउंस करने लगा हूँ कि सोशल मीडिया के आज के 2 पॉइंट्स का विनर कौन है। दिखाइए जी क्या स्टैट्स हैं आज के। पेशावर हॉक्स के 54% पॉइंट्स हैं। यस, लाहौर लेपर्ड्स को मिले हैं 45% वोट्स। इस तरह ये 2 पॉइंट्स जाएंगे पेशावर हॉक्स के पास। जी बात यहाँ पे दानिश ये है कि पेशावर भी मेरा एक बहुत फेवरेट सिटी है। जी जी जी, हम सब और अगर पेशावर के लोग जीत गए तो मैं बहुत खुशी उनके साथ मिलकर मनाऊंगा, लेकिन फिलहाल जीतना है लाहौर लेपर्ड्स को। बात एक मिनट, पहले पॉइंट्स थे आपके 10 और पेशावर के थे 9। इन 2 पॉइंट्स को जीतकर पेशावर आ गया है 11 पर और आप लोग रह गए हैं 10 पर। वाओ जबरदस्त, ये आज तक क्या बात है। एसन कैसे होते हैं? एसन बहुत आला जी। अच्छा जी, तो ज्यादा बेहतर। ये आज तक का सबसे लीथुल कमबैक है। 10-1 था, 11-10 पे आ गए ये लोग। बहुत सारी तालियां पेशावर ऑक्स के लिए। एसन ऐसे कैसे? लेकिन गेम अभी तक ओवर नहीं हुआ है। ये 4 नंबर ब्रीफकेस आपको जल्दी से बताएगा कि इसमें क्या है। ऐसे में ओपन करने लगा हूं 4 नंबर और 4 नंबर में थे 4 लाख। इसका मतलब है कि 10 लाख रुपए या तो 3 नंबर में है या 5 नंबर में। जल्दी से ऐसे आखिरी फाइनल कॉल आप मुझे बताइए क्या है आपकी, जल्दी से, टाइम ऊपर हो गया है। ये बहुत मुश्किल चीज है। अब 3 और 5 बहुत आखिरी चॉइस है। आप मुझे आप बोलेंगे मैं फौरन टाइम जाए कि बगैर खोल दूंगा। अच्छा उधर उधर से पूछते हैं कौन सा नंबर हम चूज करें। ऐसन भाई बहुत यूट्यूब पर जल्दी से बताइए ऐसन को कौन सा लेना चाहिए। क्या यार मैं तो बोलूंगा 3, आपने 2 दफा ले चुके हैं। हाँ अब इस दफा 3 ना लें। मैं तो आप क्या कहेंगे? 5 कौन कौन से? वो तो हंस रहे हैं बस। सब बोल रहे हैं 5। सब बोल रहे हैं 5। सोशल मीडिया पे भी सब बोल रहे हैं 5। आगे आपकी मर्जी है सर, मैं फोर्स नहीं करूंगा। आप मुझे जो बोलेंगे। आखिरी ब्रीफ केस, टाइम अप हो गया है, जल्दी से बताइए सर कोई भी एक ब्रीफ केस। क्या लगता है इन दोनों में से 5 या 3? एक मिनट, टाइम अप हो गया। अच्छा टाइम अप हो गया। हाँ 3-5 जल्दी गेम खत्म। 3-5 तीन कौन सा खुलवाएंगे जी? नेक्स्ट खुलेगा। मैं खुलवाऊंगा तो अगर उसमें निकला तो ये चीज जाएगी। अगर उसमें 10 लाख रुपए अगर नहीं आए तो लैला अगर तुम जीते आधे, लेकिन अगर मैं जीता तो कोई पैसे। टाइम अप हो गया है क्योंकि टाइम अप हो गया है। अच्छा 5 खुलवाएं आप। 5 खुलवा दूं? 5 खुलवा दे आओ भाई जल्दी से। 5 नंबर ब्रीफ केस खोल रहे हैं हम आप लोगों के कहने पे। एसन पैसे आधे आधे करेंगे ना। 5 नंबर ब्रीफ केस एसन ने खुलवा लिया है।
दस लाख कैश, पांच पॉइंट्स। देखते हैं किसके पास जाते हैं। अगर मैं हार गया तो उसमें मेरा कसूर है, क्योंकि तूबा कॉन्स्टेंटली कहती है कि फाइव ना खोलें, और बासठ जो है कह रहा है कि तीन के साथ हम तीन को रखेंगे। चलिए जल्दी से मैं पांच नंबर खोलने लगा हूं। रेडी आप लोग? यार नहीं करो यार। बहुत अच्छा खेली लाहौर लेपर्ड्स की टीम, लोगों की बात नहीं मानी, सब तमाम लोगों ने बोला कि पांच नंबर ब्रीफ केस को खुलवा लेना चाहिए। एसन ने कहा नहीं, इनका लकी नंबर है तीन, इन्होंने कहा कि तीन के साथ ही रहूंगा, और एसन ग्रांट जीत गया फिर से। इस तीन नंबर ब्रीफ केस में मुझे दिखाइए, इस तीन नंबर ब्रीफ केस में है 10 लाख। बजाओ। और ये पांच पॉइंट, तीन पॉइंट, आज के दो पॉइंट फिर से जाएंगे लाहौर लेपर्ड के साथ। फेस प्रेस की बाइक, सिंधु की तरफ से बाइक, नेशनल बैंड की तरफ से बाइक। ये बात है। आज के फिर इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स आप लोगों ने जीते हैं, और पॉइंट्स टेबल पे मुझे लगता है नंबर वन पे आ गए हैं। कल इसी वक्त दो और टीमों के साथ हाजिर होऊंगा, आप लोग देखना मत भूलिएगा, और मेरे साथ मिलके बोलेंगे गेम शो ऐसे चलेगा। ये बात।